ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस दर्शन खरे लाइव फ्रॉम पुणे विद द कैमरामैन दर्शन खरे। ठीक है, और आज हम हमारे थर्ड लेक्चर नंबर के ऊपर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो वीडियो क्लियर है आई गेस। जैसे ऑलरेडी सब लोगों ने हाँ बोला है तो दैट मीन्स ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। अगर किसी का ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है तो आपके इंस्ट्रूमेंट या आपके हेडफोन्स के अंदर चेंजेस कर लीजिए तो आपका ऑडियो वीडियो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ लेक्चर के साथ में। सो शॉल वी स्टार्ट? अरे सब लोग आ चुके होंगे। मैं एक बार थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लूं, कुछ ज्यादा ही छोटा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। लेट्स गो। सो शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो ही जाके समझ में आएगा। कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद में ही आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमने जो शुरू किया था उसके अंदर सबसे पहला सिचुएशन ये था। वन सेकंड, होल्ड, क्या चल रहा है? आगे, कल हमने जो सिचुएशन शुरू किया था उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। और अगर आपको याद होगा तो हमने चार फैक्टर बोले थे जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता था। एक बार कमेंट में फटाफट मुझे बताइए वो चार फैक्टर कौन से हैं। फटाफट बताइएगा कमेंट्स के अंदर, मैं वेट कर रहा हूं। जितने लोग पेनड्राइव में देख रहे हैं, जो लोग वर्चुअल में देख रहे हैं, वो भी एक बार खुद रिवाइज कर लीजिएगा चार फैक्टर कौन कौन से। तो पहला है बेटा सेफ्टी, दूसरा है बेनिफिट, तीसरा है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और चौथा कौन सा है? इथिक्स। इसमें से दो फैक्टर लिखने पड़ते हैं, कौन कौन से? सेफ्टी और बेनिफिट। और दो फैक्टर अज्यूम होते हैं, कौन से? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और दूसरा कौन सा? एथिक्स। ये अज्यूम होते हैं, ये किसी भी लॉ में लिखे नहीं जाते। फिर हमने देखा था इसका एनालिसिस। सेफ्टी बहुत बढ़िया, सब लोग लिख रहे हैं, शानदार, सबको मालूम है, आइडिया है आई गेस। फिर उसके बाद में जो सेफ्टी और बेनिफिट है उसमें से भी इसेंशियल कोई फैक्टर है तो वो है बेटा सेफ्टी। बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म वाला एग्जांपल देखा था कि कुछ लॉ के अंदर, लॉ 3 के अंदर सिर्फ सेफ्टी था, बेनिफिट नहीं था, फिर भी हमने उसको लॉ बनाया था। ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे, हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज अ प्रोसेस टू पास द लॉ। बट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेस टू पास द लॉ वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैटेगरीज ऑफ लॉ। और कैटेगरीज ऑफ लॉ को हमने डिवाइड किया था तीन पार्ट में। अगर आपको याद होगा तो पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 245 ने पार्लियामेंट को पावर दिया था कि भैया लॉ पार्लियामेंट बना सकती है, और 246 में लिस्ट बोली गई थी कि देयर आर लिस्ट, जिस लिस्ट के अंदर लॉ बनता है। और वो लिस्ट कौन से शेड्यूल में मेंशन की थी बच्चों? एक बार मुझे शेड्यूल्स बताओ कमेंट के अंदर, फटाफट बताइए शेड्यूल्स कमेंट के अंदर, फटाफट बताइए। शानदार, तूफान, बहुत सारे बच्चे 7 शेड्यूल बोले हैं, शानदार। जिसको नहीं पता याद रखना, 7 शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिस्ट दी गई थी, जिसके अंदर कितने कैटेगरीज के लॉ है? तीन। यूनियन मतलब पूरे इंडिया को लगने वाला, स्टेट दैट इज पूरे स्टेट को लगने वाला, और कॉन्करेंट लॉ जो यूनियन और स्टेट को अलग अलग तरीके पे लगता है। क्लियर है कंसेप्ट? यूनियन लॉ जो है उसके 97 एंट्रीज थे, बहुत बढ़िया, शानदार, सबको शायद पता है 7 शेड्यूल है। यूनियन लॉ के 97 एंट्रीज है, स्टेट लॉ के 66 एंट्रीज है, और कॉन्करेंट लॉ के 47 एंट्रीज है। कल मैंने आपको लिस्ट भी ओपन करके दिखाया था। ये चीज होने के बाद में हम आए थे हाउ टू पास अ लॉ की प्रोसेस के ऊपर। हाउ टू पास अ लॉ की प्रोसेस में मैंने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया था, सेंट्रल प्रोसेस, स्टेट प्रोसेस। सेंट्रल प्रोसेस में दो लॉज आएंगे, यूनियन लॉ और कॉन्करेंट लॉ, और स्टेट प्रोसेस में एक ही लॉ आता है, दैट इज अ स्टेट लॉ। याद है स्टेट लॉ? गुटखा बैन, लिकर बैन, बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। सो ये स्टेट लॉ है। तो ये सिचुएशन के अंदर हमने ये चीज देखी थी बच्चों कि भैया जो सेंट्रल लॉ है, यूनियन लॉ है, उसमें दो, यूनियन और कॉन्करेंट पास होते हैं। पहला स्टेप रहेगा ड्राफ्टिंग। एक बार मुझे सभी स्टेप्स अगर आपको याद है, कल हमने आधे स्टेप्स देखे थे, आज हम आधे स्टेप्स देखने वाले। पहला स्टेप है ड्राफ्टिंग, दूसरा है पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना, तीसरा स्टेप है उसको रीड करवाना, चौथा स्टेप है उसके ऊपर पब्लिक के कमेंट्स लेना, और पांचवा स्टेप है स्टैंडिंग कमिटी से उसको अप्रूव करवा लेना। स्टैंडिंग कमिटी उसको क्या करवा लेना? अप्रूव करवा लेना। आई होप सो ये सभी के सभी स्टेप सभी लोगों को याद आ रहे होंगे। क्लियर है सब सबको? हाँ, है ना। चलो, ये चीज यहां तक हुई थी, आज मैं उन्हीं स्टेप से आगे बढ़ रहा हूं। एक बार मैं स्टेप्स को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। कल मैंने एग्जांपल भी दिया था कि ड्राफ्टिंग कोई भी कर सकता है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई ड्राफ्ट किया था, कुछ याद आया बच्चों? हाँ ना।
चलो आज ही, आज मैं यहीं से शुरू करने वाला हूं। ड्राफ्टिंग, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट रीडिंग, कमेंट एंड डिस्कशन। शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। सो आर यू रेडी? हाउस द जोश, हाउस द जोश, बताइए मुझे कमेंट में, हाउस द जोश। शानदार, हाय सर, बहुत बढ़िया, लेट्स गो। सो कल हमने देखा था सबसे पहला स्टेप जो था ड्राफ्टिंग, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट रीडिंग, इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक, और फिर उसको फिल्टर करने के लिए कमिटी। कल मैंने आपको कंपनीज एक्ट का एग्जांपल दिया था, कंपनीज एक्ट बनाने के लिए तीन कमिटीज की प्रस्तावना हुई थी। यस नो? सबसे पहली कमिटी थी नारायण मूर्ति कमिटी। हाय सर, सब हाय सर कर रहे, शानदार। नारायण मूर्ति कमिटी कर रही थी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी और सर जे जे ईरानी कमेटी कंपनीज एक्ट बनाने के लिए बनाई गई थी। क्लियर है सर? कल हमारा ये हुआ था। आज काफी सारा पॉलिटिकल डिस्कशन होगा। आज हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में घुसने वाले हैं, क्योंकि लॉ बनाती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में होती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो आज का डिस्कशन काफी टेक्निकल है। कान नाक खुले रखना, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। अगर बाबू सोना पिकाचु याद कर रहा तो उसको बोलना अभी मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। क्लियर है? जब तुम्हारा होने का समय आएगा तब मैं तुम्हारे साथ रहेगा। क्लियर है? ये चीज को याद रखना, नहीं तो मेले बाबू ने थाना थाया लगेज तुम लग जाओ दे। नहीं बेबी, मैंने तो नहीं थाया, तल से भूता हूं। किस बात के लिए भूखा हूं? तुम्हारे प्याल के लिए भूखा हूं बेबी। तो ये चीज अभी नहीं करना। क्लियर है सर? अभी पूरा ध्यान मुझे टेक्निकल डिस्कशन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे आ जाइए, लेट्स गो। सबसे पहली बात जो हमारी प्रोसेस है, हमने अभी स्टैंडिंग कमिटीज के इसके अंदर अप्रूवल लिए है। किसके अप्रूवल लिए है? स्टैंडिंग कमिटीज। फिर उसके बाद में ये लॉ वापस, देखो फर्स्ट टाइम हमने पार्लियामेंट में इसको सिर्फ रीड किया था, अप्रूव नहीं किया था, सिर्फ बोला गया था ऐसा ऐसा लॉ आया है, इसको इसको रीड कर लो। तो हमने उसको रीड किया था, हमने उसको अप्रूव नहीं किया था, बट अब हम पार्लियामेंट में उसको अप्रूव करेंगे। कल मैंने ये चीज को थोड़ा ब्रीफ में बोला था, और अगर आपको याद होगा तो मैंने दो तीन नाम भी इसके बोले थे। आज बड़े अच्छे से इसके ऊपर ध्यान रखना, जितने भी बच्चे, 100 बच्चे नियरली प्रेजेंट है, सबने अच्छे से ध्यान देना बच्चों, मैं चाहता हूं तुम्हारे जहन में ये बैठ जाए। पहला हाउस था लोकसभा, ठीक है, पार्लियामेंट है, ये दोनों हाउसेस जो है ना, जो राइट साइड पे दोनों हाउसेस है वो पार्लियामेंट के दो हाउसेस है। पार्लियामेंट के आपने दो हाउस सुना होगा, लोकसभा राज्यसभा, तो ये है लोकसभा और राज्यसभा। अब जिस तरीके से मैंने इसको बोला है उस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पर याद रखना लोकसभा इज ऑलवेज अ लोअर हाउस, लोकसभा इज ऑलवेज अ लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज ऑलवेज अ अपर हाउस, क्योंकि लोकसभा में कोई भी लॉ पास होने के बाद वो राज्यसभा में आता है। इनके मेंबर्स वगैरह कौन बनते हैं मैं बताऊंगा, जस्ट वेट। अब हमारे पेपर तो इंग्लिश में है, अब इंग्लिश ओनली इंग्लिश, बोलो यस और नो। So, यहां पे लोकसभा का नाम होता है बच्चों हाउस ऑफ पीपल, हॉप, हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा का नाम होता है हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स, हॉस्क। राज्यसभा का नाम होता है हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। ये सेंट्रल और कॉन्करेंट लॉ, यूनियन और कॉन्करेंट लॉ पास करने की प्रोसेस चल रही है बच्चों। मैं स्टेट लॉ में घुसा भी नहीं हूं, पहले तो मैं सिर्फ इसका डिस्कशन करूंगा, फिर मैं स्टेट लॉ पे आऊंगा। क्लियर है? तो बड़े अच्छे से ध्यान देना, इसके तीन नाम है, लोकसभा लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल। इसके भी तीन नाम है, राज्यसभा अपर हाउस और हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? लोकसभा में जो बैठते हैं उन्हें कहा जाता है एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम हिंदी में खासदार भी कहते हैं, खासदार। ठीक है, अब ये कौन है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिनको हम खासदार कहते हैं? आपने 2014 में अगर इलेक्शन देखा होगा, 2014 में, तो उस वक्त बीजेपी की सरकार आपने चुनी थी, पब्लिक ने चुनी थी, आपने चुनी थी। 2019 में इलेक्शन हुए तभी भी आपने बीजेपी की सरकार चुनी थी, वो जो जिस सरकार में आपने नरेंद्र मोदी जी को चुन के लिया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, दोनों साल 2014-2019, ये दोनों मतलब टोटल 10 ईयर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बन गए। ये दो बार आपने जो नरेंद्र मोदी जी को चुन के लिया, ये है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है। आप जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करोगे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बदले में प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। आप कभी स्ट्रेट अवे प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं करते बच्चों। ये बचपन में हमको एक सिविक्स करके सब्जेक्ट था हिस्ट्री के साथ में, छोटी सी बुक पतली सी जिसको हम फेंक देते थे, जिसकी कोई इज्जत ही नहीं करते थे, सिर्फ फोटो फोटो देख लेते, अच्छे अच्छे फोटो, और फेंक देते थे। याद आया सबको? हाँ ना? तो वो सिविक्स के बुक में ये लिखा हुआ है कि भैया आपने नरेंद्र मोदी वाली सरकार चुनी, दैट इज अ लोकसभा वाली आपने सरकार चुनी, पार्लियामेंट वाली सरकार चुनी, वो एमपीज, आपने तो एमपीज चुने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो बदले में प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। तो मित्रों, मेरा प्यारा देशवासियों, 2014 में और 2019 में
तुमने जिस प्राइम मिनिस्टर को चुना वो प्राइम मिनिस्टर की सरकार को पार्लियामेंट की सरकार बोला जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है सब सबको? हाँ ना। आपने जो नरेंद्र मोदी वाली सरकार चुनी वो खासदार वाली एमपी वाली सरकार, क्लियर है सब? अब इधर आता हूं मैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके नाम में वापस बाद में लिखूंगा बिकॉज वापस पिपटी आएगा। यह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यह है राज्य सरकार। यह थी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, यह है राज्य सरकार। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जिस इलेक्शन में, अभी देखो महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स जो है ना, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स वो सिर चढ़ के बात कर रहा है, पूरे देश में फैल गया था महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स। बीजेपी और शिवसेना ने मिलके एक साथ इलेक्शन जीता, बाद में शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दे दिया और बची हुई सब पार्टीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली उद्धव ठाकरे जी ने, साथ में शरद पवार जी। शरद पवार जी को कौन नहीं जानता जिंदगी के अंदर, मतलब इनके बारे में तो क्या ही बोलना अभी, मतलब जाने दो। सो उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, फिर उसके बाद में जो छोटे मोटे जितने भी पार्टियां थी उन सबने मिलकर गवर्नमेंट बना ली, और बीजेपी जिसको महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो अपोजिशन में बैठी है, और चीफ मिनिस्टर ये सब छोटे मोटे पार्टीज मिलके, सब ने मिलके खुद का चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, भैया उद्धव ठाकरे जी हमारे चीफ मिनिस्टर है। इसे वो कहते हैं महाशिवा आघाड़ी, महाराष्ट्र की शिवसेना वाली आघाड़ी, जिसमें शिवसेना इज अ मेन पार्टी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस, फिर कांग्रेस और फिर बचे हुए अपक्ष वगैरह सब मिलकर उम्मीदवार यहां पर आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ये है राज्य सरकार, क्लियर है कॉन्सेप्ट? जो आपके स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, जिसमें आप चीफ मिनिस्टर चूज करते हो, उसे हम कहते हैं बच्चों राज्य सरकार। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? राज्य सरकार। इस बात को याद रखना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो मैं इस चीज को वापस से एक बार लिख के दे दू, ठीक है? वापस से एक बार लिख के दे दू तो आपको शायद समझ में आएगा। आ जाइए, सो मैंने यहां पर लिखा था, एक बार वापस से लिखूंगा, लोअर हाउस, लोकसभा, ये सब चीजें हमको लिखनी है इसलिए मैं लिख रहा हूं बेटा। हाँ, इसे कहते हैं हॉप हाउस ऑफ पीपल आल्सो। इसे हम कहेंगे अपर हाउस, क्योंकि लोकसभा में पास होने के बाद में यहां पे जाता है, जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, ठीक है? जिसे हम हॉस्क भी कहते हैं, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स, ठीक है? यहां पे इसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, और इसे हम कहते हैं राज्य सरकार। इन दोनों का मिलके, इन दोनों का मिलके बनता है पार्लियामेंट, इन दोनों का मिलके बनता है स्टेट लेजिस्लेचर। जो लोकसभा में बैठते हैं उन मेंबर्स को कहा जाता है एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम कहते हैं खासदार। अब सवाल उठेगा, सर ऐसे कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो हम यहां पे चूज करते हैं? कितने हैं सर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हम यहां चूज करते हैं? तो याद रखना, आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हो वो होते हैं 545 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थ्रू आउट इंडिया। इन 545 में से अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये काफी टेक्निकल डिस्कशन है, मुझे सबका अटेंशन यहां पे लगेगा, 100 बच्चे 100 के 100 को ही समझ में आना चाहिए। आज शाम को बैठ के पप्पा के साथ में आप पॉलिटिकल डिस्कशन भी कर पाओगे अगर आप प्रॉपरली ध्यान दो तो। सो पार्लियामेंट में 545 मेंबर होते हैं, जिसमें से टोटल मेंबर 545, जिसमें से आपको स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चाहिए, जैसे बीजेपी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, बीजेपी और अलाइड पार्टीज की मिला के, तो उसके अंदर हमको 272 मेंबर्स एक ही पार्टी के या एक ही यूनियन के होने चाहिए। 272 मेंबर्स, क्लियर है? 2019 में बीजेपी के खुद के 305 मेंबर्स थे, मतलब बीजेपी इंडिपेंडेंट पार्टी के 305 मेंबर थे। अगर बीजेपी और अलाइड पार्टीज आप ले लो तो 355 360 के आसपास मेंबर इलेक्ट होके आए थे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो 545 में से 272 मेंबर्स चाहिए आपको स्पष्ट बहुमत के लिए। अगर आपके 272 मेंबर्स है तो जाके आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो, जीओवी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो, क्लियर है आंसर सबको? हाँ ना। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। और आपको पता है इस इलेक्शन में आपने दो वर्ड काफी अच्छे से सुने होंगे, दो वर्ड आपने काफी अच्छे से सुने होंगे, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना तो जाके ये चीज समझ में आने वाली है, ठीक है? बड़े अच्छे से ध्यान देना। एक होता है एनडीए, पॉलिटिकल एजेंडा बोल रहा हूं, इंडिया का किस तरीके से चलता है। एनडीए पता है क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, नालायक। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां से आए बीच के अंदर, नालायक, ध्यान दो अच्छे से। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब भारतीय जनता पार्टी प्लस स्टेट वाइज सभी के सभी अलाइड पार्टी, जैसे 2019 में, अभी तो नहीं है पर 2019 में बीजेपी और महाराष्ट्र की शिवसेना मिलके एनडीए बन रहा था 2019 में, अभी तो टूट गया पर 2019 में जब इलेक्शन लड़े थे लोकसभा के तो बीजेपी और महाराष्ट्र की शिवसेना मिलके बना था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्लियर है? और फिर दूसरा वर्ड आपने सुना होगा यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब कांग्रेस पप्पू जी प्लस
उसके रीजनल अलाइड पार्टीज मिलके जो गवर्नमेंट बनता है दैट इज अ यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। आपने शायद सुना होगा यूपीए के अध्यक्ष पद से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया है और आई गेस शरद पवार जी को वो बनाने वाले हैं यूपीए का अध्यक्ष, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का अध्यक्ष। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ये चीज को बड़े अच्छे से समझना जरूरी है। एनडीए लास्ट टाइम एनडीए के 2019 के इलेक्शन में एनडीए के ही 355 के ऊपर सीटें थी, क्लियर है आंसर, जिसमें कि बीजेपी के इंडिपेंडेंट सीटें 305 थी, क्लियर है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हार गया था कांग्रेस अलाइड पार्टी, इसलिए तो हम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह नहीं मोदी जी को देख रहे, मनमोहन सिंह बीच में कहां जा गए, सो मोदी जी को देख रहे। ये चीज को आपने याद रखना, क्लियर है सबको, हाँ है ना। सो ये हुआ लोकसभा वाला चिट्ठा। आपको बताए, चलो एक खास बात बताऊ, अगर आप रेडी हो समझने के लिए, रेडी हो मुझे एक बार कमेंट में बता दो, कुछ खास बात सुननी है क्या आपको, फटाफट कमेंट में बताओ। उत्तर भारत वाले लोग खुश हो जाएंगे ये चीज समझ के बाद में, मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि क्या आपको कोई खास बात सुननी है, फटाफट बताइए। 109 बच्चे, शानदार तूफान, सब हाँ बोल रहे हैं। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं, अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कितनी सीटें हैं 545? आपको बताया कुछ, चार राज्य ऐसे हैं, सिर्फ चार राज्य ऐसे हैं जिन चार राज्यों में अगर आपने खुद की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बना ली, लोकसभा का आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उन चार राज्यों से जीत गए, तो आपका पूरा इलेक्शन जीतना लगभग तय होता है, 99% आप हो सकता है आपकी गवर्नमेंट बना के आओगे। ऐसे चार राज्य कौन से है, किसको पता है कि ये चार राज्यों में अगर आप जीत गए इलेक्शन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपने ज्यादा से ज्यादा बना लिए, तो आपकी सरकार बनना तय है। ऐसे कौन से चार राज्य है, कौन बता सकता है मेरे को, बताइए फटाफट कमेंट्स में। फटाफट बताइए, एनीवन नोज द फोर स्टेट्स? कैसे हो आप, 18 साल की उम्र के ऊपर होने आए, इलेक्शन का आपको राइट मिलने वाला है, वोटिंग का आपको राइट मिलने वाला है, कोई कमेंट के अंदर बता भी नहीं पा रहा। चलो शानदार, कुछ लोगों ने बोला है यूपी, राजस्थान, जबरदस्त, जिंदाबाद, बिहार, शानदार। मैं आपको दिखा दूं 545 सीटों में से किस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले लेवल के ऊपर आता है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश, टोटल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के हाथ में 545 में से। आप सोचो 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, 36 स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज में से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन भी उतना ज्यादा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही तो मेनली भारत की शुरुआत हुई थी, गंगा वगैरह सब वहां से बहती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो उसके आसपास में जो विसिनिटी है वो पहले भारत की विसिनिटी बनी थी 80। उसके बाद में अगर आप जाओगे तो भैया हमारा स्टेट आता है जहां मैं रहता हूं महाराष्ट्र, 48 सीट्स महाराष्ट्र के अंदर है। बिहार में जाओ तो 40 सीट्स बिहार के अंदर है। आंध्र प्रदेश 42 सीट्स है। और अगर आपको मैं बताऊं तो आई गेस वेस्ट बंगाल कहां गया है? हाँ, वेस्ट बंगाल के पास में 42 सीट्स है। ये चार पांच, तमिलनाडु 39 सीट्स है। तो जिन भी स्टेट्स के पास 40 या 40 से ज्यादा सीट्स होती है, ये पांच छह राज्य ले लीजिए, इनमें अगर आप इलेक्शन जीत गए तो आपकी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनना लगभग तय है, 99%। इसलिए आपने देखना कभी भी इलेक्शन होते हैं ना तो उनका अध्यक्ष जो लीडिंग होता है, जैसे अमित शाह जी बीजेपी के, वो जाके उत्तर प्रदेश में ठिया डाल के बैठे थे, बोले ये सीट तो छोड़नी ही नहीं है हमको, क्लियर है। फिर वेस्ट बंगाल में जाके बैठे थे इस बार, तो 2014 में जाके बैठे थे कहां पे, अपने उत्तर प्रदेश में। फिर अभी 2019 में ममता दीदी के खिलाफ जाके बैठे थे वेस्ट बंगाल में, क्लियर है। तो ये अगर आपने पांच छह राज्य जीत लिए तो भैया 545 में से तो 200 सीट तो यही चार पांच राज्य लेके चल जाते हैं। अगर आपने ये जीत लिया तो फिर बचा हुआ तो सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गया बेटा। इस तरीके से आप गवर्नमेंट बनाते हो, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब लोकसभा में अगर आपकी गवर्नमेंट बन गई, बच्चों बड़ा टेक्निकल एनालिसिस दे रहा हूं ताबड़तोड़, बड़े अच्छे से याद रखना, लोकसभा में अगर आपकी बराबर 272 सीटें बन गई तो राज्यसभा आप ऑटोमेटिकली जीत चुके हो। पर राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं बच्चों 245 मेंबर्स होते हैं। इन 245 में से आपको 123 सीटें राज्यसभा की खुद को इलेक्ट करने के लिए मिलेगी, 123 सीटें। पर राज्यसभा में लोकसभा के ही मेंबर नहीं होते, मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा में कौन होते हैं, जिस सिर्फ वेट कर रहा है ये 245 कौन है, आई विल डिवाइड इट। 245 को मैं फर्दर डिवाइड करता हूं दो पार्ट में। सबसे पहली बात, 12 अलग और 233 अलग। 233 जो अलग है, वैसे राज्यसभा के 250 तक के भी मेंबर्स हो सकते हैं, 250-255 तक, बट फिलहाल नॉर्मली 245 के आसपास ही होते हैं। राज्यसभा का नंबर थोड़ा वेरिएबल है याद रखना। ये 233 कौन अपॉइंट करेगा ये मैं आपको बताऊंगा, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर ये जो 12 लोग हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 12 लोगों को इलेक्ट करेगा, अलग अलग कास्ट, कल्चर, क्रीड, रिलीजन, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से। जैसे आपने शायद सुना होगा सचिन तेंदुलकर जी, द मास्टर ब्लास्टर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर जी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए थे फॉर द पर्पज ऑफ राज्यसभा का मेंबरशिप।
दूसरे अगर मैं बोलूं तो जावेद अख्तर जी जो लिरिसिस्ट है, फरहान फरहान अख्तर के पिताजी, फरहान अख्तर पता है तुम्हें, है फरहान अख्तर उसके पिताजी। सो फरहान अख्तर के जो पिताजी है जावेद अख्तर जी, वो मेंबर ऑफ राज्यसभा थे। विजय माल्या, यकीन नहीं होगा, भाग्या भगोड़ा आदमी भाग्या, पर विजय माल्या वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिस राज्यसभा की सीट का इस्तेमाल करते हुए ही उसने किंग फिशर एयरलाइन को ऊपर लाने की कोशिश की थी, विजय माल्या जी ने। आपको पता है किंग फिशर के फ्रॉड में उन्होंने गवर्नमेंट के जो एयरलाइन थे ना, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, उनकी पूरी वाट लगा दी थी। आपको पता है पहले एयर इंडिया के जो फ्लाइट थे वो पीक टाइमिंग में चलते थे। व्हाट इज पीक टाइमिंग, जरा सुनना इसको ठीक से, किंग फिशर का थोड़ा भी फ्रॉड समझ में आएगा थोड़ा सा, आगे तो पूरा समझ में आएगा, फिलहाल दो मिनट के लिए बोलता हूं, याद रखना ठीक है बड़े अच्छे से। एयरलाइन पीक टाइमिंग पे उड़ती है, जैसे मुझे पूना से आज दिल्ली जाना है या मुंबई से मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं कब जाऊंगा, मैं मॉर्निंग के फ्लाइट से जाऊंगा, इवनिंग फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। तो मॉर्निंग इज अ पीक आवर, इवनिंग इज अ पीक आवर। नॉर्मली दोपहर के फ्लाइट में कोई मुंबई या दिल्ली जाता नहीं है जब तक उसको दो चार दिन के लिए ना रहना हो। तो पीक टाइमिंग इज अ मॉर्निंग एंड इवनिंग। विजय माल्या जी ने राज्यसभा की सीट का गलत इस्तेमाल करते हुए एयर इंडिया के पीक टाइमिंग उठा के दे दिए थे किंग फिशर एयरलाइंस को, क्लियर है, और उसके फेयर्स दिए थे बढ़ा के, मतलब जो चीज 2500 में पूना से दिल्ली में हो सकती थी उसके लिए 6-7 हजार रुपए लगा रहा था। अब कोई सिर्फ एयर होस्टेस देखने के लिए 6-7 हजार रुपए तो नहीं देगा, बात तो सही है ना, क्लियर है। इसलिए किंगफिशर डूब गया बिकॉज ऑफ हाई फेयर्स। इसका केस भी मैं आपको बताऊंगा किंगफिशर का किस तरीके से वर्कआउट हुआ था, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 लोग सिलेक्ट करता है, सचिन तेंदुलकर, जावेद अख्तर, विजय माल्या, और भी ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा के मेंबर है जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं है, पर वो लोग प्रेसिडेंट ने इलेक्ट करके बैठाए कि भैया अलग अलग भैया बैकग्राउंड्स के 12 लोग होने चाहिए, क्लियर है। रही बात ये 233 लोग कहां से आए, इसके ऊपर अभी शांति रखना, मैं आपको बताऊंगा कहां से आए। अब मैं आपको बृहद वाक्य बोलता हूं, द एंड गेम, एंड गेम, एंड गेम, फिनिशिंग लाइन, बड़े अच्छे से याद रखना। अगर आपकी लोकसभा में 272 सीटें आ गई, राज्यसभा में तो ऑटोमेटिकली 123 सीटें आपकी खुद की हो जाएगी अगर आप स्टेट इलेक्शंस भी ठीक से जीत गए तो। अगर लोकसभा में 545 में से 272 लोगों ने किसी लॉ को हाँ बोल दिया, जैसे मैंने यहां पे रख दिया कंपनीज एक्ट, क्लियर है, या फिर मैंने यहां रख दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, या तो फिर जो पेडेस्ट्रिशियंस रहते हैं ना, पेडियाट्रिशियन नहीं, पेडेस्ट्रिशियन, जो जमीन के ऊपर सोते हैं फुटपाथ के ऊपर, उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉ मैंने बनाने की कोशिश की। गरीब लोग तो फुटपाथ पे सोते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनके ऊपर गाड़ी चला के चले जाते हैं, भाई लोग, कुछ भाई लोग है जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो मैंने उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाने की शुरुआत की। अगर लेट्स से मैंने ड्राफ्ट बना के रखा, स्टैंडिंग कमिटी ने अप्रूव कर दिया, तो लोकसभा में हमको उस लॉ के लिए 272 क्लियर वोट्स लगेंगे, क्लियर वोट्स। हालांकि 272 भी नहीं लगते, बिकॉज वोट लगते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग के, और लोकसभा में 545 पूरे के पूरे कभी प्रेजेंट ही नहीं होते, क्लियर है। तो नॉर्मली मुझे 272 मैक्सिमम वोट्स लगेंगे उस लॉ को पास करने के लिए। वहां से पास हुआ तो राज्यसभा में मुझे 123 वोट लगेंगे उस लॉ के फेवर में। दोनों जगह पे अगर मैंने मेजॉरिटी वोट हासिल कर लिए, बच्चे यहां मेरे को बोलते हैं सर यहां 273 होना चाहिए, 273 होना चाहिए, ना बेटा ये 272 ही बोला है। सो यहां अगर 272 मिल गया, यहां अगर 123 मिल गया, तो वो लॉ पास हो जाएगा, वो लॉ पास हो जाएगा। इसीलिए स्पष्ट बहुमत वाली सरकार केंद्र और राज्य में बनाना जरूरी है, अदरवाइज आपका लॉ पास ही नहीं हो पाएगा। समझो यहां पे आपकी मिली जुली सरकार है, जुड़ी वाली सरकार है, दो चार पार्टी मिला के सरकार बना रही है, तो भैया दगा दे देंगे लोग। एक पार्टी के लोग रहते ना फटाफट लॉ पास करते। अभी आपने जो 2019 में जो सेशन हुआ ना, इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट का सेशन हुआ, शायद मैं काफी अच्छा नॉलेज आपको दे रहा हूं, ठीक से सुनना, ठीक है, बड़े अच्छे से सुनना। आप शांति से सुन रहे हो, मुझको बड़ा मजा आ रहा है, कमेंट भी कोई नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे सुना। 2019 में इलेक्शन हुआ ना, बीजेपी की 305 के आसपास सीटें आई थी, और टोटल बीजेपी और अलाइड पार्टीज मिलकर 355 सीटें थी। आपने यकीन नहीं किया होगा, 25 से 30 दिन में इन्होंने 135% प्रोडक्टिविटी के ऊपर लॉ बनाया है। इतने दनादन लॉ पास की, इतने फास्ट लॉ पास की, आपको यकीन नहीं होगा। अरे जम्मू एंड कश्मीर का लॉ जो धारा 370 थी ना, वो तो ऐसा राप 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 गायब, 2-3 घंटे के अंदर तो उन्होंने लॉ को गायब कर दिया, बोले पास हो गया, गेम ओवर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ऐसे लॉ इन्होंने पास किया, मतलब जो कभी पास ना होने वाले लॉ थे ना, वो अभी 2019 में वो धनादन धनादन पास करवा लिए इन्होंने। क्यों? क्योंकि स्पष्ट बहुमत वाली सरकार थी केंद्र में भी और राज्य में भी। भैया स्टेट के मेंबर भी इन्हीं के थे, सेंटर के मेंबर भी इन्हीं के थे, तो इन्होंने ऐसे लॉ पास किए हैं, मैक्सिमम पूरे 70-80 साल के हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉज 2019 के अंदर पास हुए, आपने कभी भी हिस्ट्री में चेक करके देखना। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार स्पष्ट बहुमत वाली थी, एक ही पार्टी के बैठे हुए सब लोग थे, तो लॉ पास करना बड़ी बात नहीं है। लॉ आया, सभी मेंबर हां दन 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 टेबल ठोकते थे पार्लियामेंट के अंदर, सेशन देख लेना कभी, ऐसे टेबल ठोकते थे, लॉ पास, दूसरा आया टेबल ठोकते थे, लॉ पास। मतलब जो स्पीकर है, रिस्पेक्टेड स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो पागल हो गए थे, बोले लॉ आया नहीं तो पास हो जा रहा है करके। ये चीज चल रही थी,
कंसेप्ट समझ में आया? इस तरीके से सेंट्रल और कॉन्करेंट लॉ पास होते हैं बच्चों, इस तरीके से सेंट्रल और कॉन्करेंट लॉ पास होते हैं। मुझे बताना आपको समझ में आया क्या यहां तक कि, जरा कमेंट में बताना कि आपको समझ में आया क्या, नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं प्रवचन देते जा रहा हूं बाबा जी का और बच्चे यहां पे शांत बैठे हुए हैं, एकदम शांत, जैसे सांप सूंघ गया हो सबको। मुझे बताइए, कमेंट आ भी नहीं रही है। समझ में आया, क्लियर हो रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है जिंदगी के अंदर कि दर्शन सर का प्रवचन चल रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ आज पप्पा के साथ बैठ बैठ के पॉलिटिकल डिस्कशन कौन करेगा रात को? ठीक है, तो जरा अभी थोड़ा थोड़ा इंप्रेशन बनना चाहिए यार, सीए इंटरमीडिएट में पप्पा, इसका पप्पा बोलना क्या हो गया, वो पॉलिटिक्स का क्या चल रहा है थोड़ा सा कैसे? तुम अभी आगे से, अब इलेक्शन जब होगा तो जब तुम वोट करोगे तुमको भी मजा आएगा। चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है, जबरदस्त, सब लोगों ने हाँ बोला, आया जूम शो की सबको समझ में आ रहा होगा। ये तो सेंट्रल लॉ की बात हुई, अब मैं जा रहा हूं स्टेट पे। स्टेट काफी इजी है, सेंट्रल समझ गए तो स्टेट बड़ी बात नहीं है क्योंकि स्टेट तो बहुत अलग है। अब देखना, इंडिया में 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज है, 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मेरे को फिगर पता है 9 यूनियन टेरिटोरीज है, 9 यूनियन टेरिटोरीज है, और अगर हम 9 यूनियन टेरिटोरीज बोले तो नहीं, 7 यूनियन टेरिटोरीज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एग्जैक्ट फिगर यूनियन टेरिटोरीज का नहीं पता अभी, एंड आई गेस 29 स्टेट्स है इंडिया के अंदर, 7 यूनियन टेरिटोरीज एंड 29 स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर होने के बाद, पहले 37 थे पर उसमें से अब 2 यूनियन टेरिटोरीज बन गए, लद्दाख लेह लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो 2 बढ़ गए और 1 स्टेट कम हो गया, तो यह 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज हो गए अब, या 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 36 तो पहले था, माय मिस्टेक, 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज है, जिसमें से 8 या 9 आपके हैं, 28 एंड 9, आर यू श्योर? चलो बहुत बढ़िया, 28 एंड 9, बच्चों ने बोल दिया, हाँ बाय राइट, 28 एंड 9, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे SLA, मतलब हम यूनियन टेरिटोरीज की बच्चों यहाँ पे बात नहीं कर रहे क्योंकि यूनियन टेरिटोरीज में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लॉ चलते हैं, इसलिए उनको यूनियन टेरिटोरी कहा जाता है, जिसको यूनियन मतलब केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 28 स्टेट्स की। अब उन 28 स्टेट्स के लिए पहले होता है SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्लियर है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में कहा जाता है विधानसभा, आपने सिविक्स में इसको सुना होगा, और स्टेट लेजिस्लेटिव को काउंसिल को कहा जाता है विधान परिषद, ये आपने ऑलरेडी सुना होगा, विधानसभा और विधान परिषद, क्लियर है? इसमें विधानसभा इज अ लोअर हाउस एंड विधान परिषद इज अ अपर हाउस, विधानसभा में पास होने का विधान परिषद में जाएगा। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं उनको कहते हैं MLAs, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको कहते हैं आमदार हिंदी में, इनको एक और नाम है विधायक। मैंने आपको बोला था ये 233 मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है, तो मैं आपको बोल दूं ये 233 मेंबर्स स्टेट के MLA इलेक्ट करते हैं बच्चों, जो स्टेट के मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होते हैं ना, वही इलेक्ट करते हैं कि भैया राज्यसभा में कौन बैठेगा, क्लियर है? तो एक जगह पे सेंटर में इलेक्ट किए गए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरे जगह पे स्टेट में इलेक्ट किए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए अगर सेंटर और स्टेट में कॉमन सरकार है बीजेपी बीजेपी, तो स्टेट भी काफी स्मूथली फंक्शन करता है क्योंकि सेंटर का तगड़ा सपोर्ट होता है, क्लियर? दैट इज अ MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही इन 233 लोगों को सिलेक्ट करती है, और फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसके अंदर बैठते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLCs, क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉर्पोरेटर्स वगैरह जिनको नॉर्मली कहा जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर इसके बाद में आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो लोकसभा में लॉ पास हो गया, अच्छा इनके नंबर्स वेरिएबल, इनके नंबर्स में बोल नहीं सकता, 28 स्टेट्स को तो हम देख भी नहीं पाएंगे। अच्छा अब यहां पे लॉ पास हो गया राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास में, तो आएगा प्रेसिडेंट के पास। फिलहाल हमारे प्रेसिडेंट कौन है, फटाफट बताइए मुझे कौन है प्रेसिडेंट इंडिया के, नालायक लोगों, इंडिया के इंडिपेंडेंट नागरिक हो, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताइए फटाफट। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद जी, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद, सबको पता है रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला बंदा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जो जेल में गया है वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है,
प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट के खिलाफ गवर्नमेंट का कोई भी नोटिस नहीं चाहिए, कोई भी असेसमेंट नहीं चाहिए, कोई भी शो कॉज नोटिस भी नहीं चाहिए, क्लीन कैरेक्टर होना चाहिए, कोई झगड़े वगड़े नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो ही बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल जी, आदरणीय APJ अब्दुल कलाम जी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। इनके खिलाफ देखना आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। प्राइम मिनिस्टर तो जेल में गया हुआ बंदा भी बन सकता है, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, क्लियर है आपको? तो प्रतिभा पाटिल जी हमारे गांव से बिलोंग करती है, अमरावती। प्रतिभा ताई पाटिल जो APJ अब्दुल कलाम जी के बाद में, शायद उनके बाद में जो प्रेसिडेंट थी या पहले, वो हमारे गांव अमरावती से बिलोंग करती है। मैं उनको जानता हूं पर्सनली, सच्ची में मैं उनको पर्सनली जानता हूं। ये अलग बात है कि वो मेरे को नहीं जानते, क्लियर है कंसेप्ट? आगे सो ये चीज को आपने याद रखना, वो मेरे को नहीं, मैं उनको जानता हूं, ठीक है? सर रामनाथ कोविंद जी ये हमारे फिलहाल के प्रेसिडेंट है, और फिर दोनों हाउसेस में पास होने के बाद रामनाथ कोविंद जी इसको पास करेंगे। रामनाथ कोविंद जी इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन इधर एक्सेप्ट द लॉ और ही कैन इधर रिजेक्ट द लॉ, लेकिन वो जब लॉ रिजेक्ट करेंगे तो उनको रिजेक्शन के साथ रीजन देने पड़ सकते हैं। एक बार जो लॉ रिजेक्ट हो गया वो वापस पास होके आएगा। प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को सिर्फ एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को सिर्फ ओनली वन टाइम रिजेक्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इधर जो स्टेट में जो लॉ को अलाउ करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज अ गवर्नर ऑफ स्टेट। आपको आपके स्टेट का गवर्नर पता होना चाहिए। मुझे तो सभी स्टेट के गवर्नर ही नहीं पता, लेकिन हमारे स्टेट का, महाराष्ट्र का पता है, भगत सिंह बौशाली, ये हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर है जो स्टेट लॉ को अप्रूव करते हैं। जुबा केसरी बैन करने का जो लॉ अप्रूव किया था भगत सिंह बौशाली, इन्होंने ही अप्रूव किया था, क्लियर? तो गवर्नर स्टेट में लॉ को अप्रूव करता है। इधर प्रेसिडेंट इधर गवर्नर दोनों ने लॉ को अप्रूव कर दिया, फिर वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, भारत की राज्य सरकार, भारत का राज्यपत्र, और इधर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, महाराष्ट्र शासन का राज्यपत्र। भारत का राज्यपत्र मतलब भारत का ऑफिशियल गैजेट, OZ इसका डिनोटेशन होता है, ऑफिशियल गैजेट, और ये स्टेट का ऑफिशियल गैजेट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट, स्टेट ऑफिशियल गैजेट, जिसमें तीन चीजें डिक्लेयर करते हैं, कौन से दिन से, डेट कौन से एरिया में, कितना एरिया में कितने नंबर ऑफ सेक्शन अप्लीकेबल कर रहे हैं, कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने नंबर ऑफ सेक्शन उस लॉ के अप्लीकेबल कर रहे हैं। पूरा लॉ कभी एक साथ अप्लीकेबल नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं तो कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल हुआ था 12 सितंबर 2013 से, जो हमारे सिलेबस में है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया को अप्लाई किया गया था, और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो अप्लाई किए गए थे वो थे 98 सेक्शंस। बच्चों कितने सेक्शंस अप्लाई किए गए थे? 98। 12 सितंबर 2013, 2013 का कंपनीज एक्ट है, ऑल इंडिया को अप्लीकेबल था 98 सेक्शन के साथ, डेट एरिया सेक्शन। सेम स्टेट में भी होगा, सेम स्टेट में भी चलेगा, दैट इज कौन से दिन से, डेट एरिया और सेक्शन। पेन चल नहीं रहा है पर इधर का ही आप यहां पे रिपीट कर देना, ये वापस पेन को क्या हो गया जिंदगी में, ए मां शक्ति। हाँ, डेट एरिया एंड सेक्शन, कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शन अप्लीकेबल होंगे। एक बार ये पास हो गया तो आपका इंडिया का लॉ पास हो गया। हाँ, कॉन्करेंट लॉ ये पूरी प्रोसेस में पास होने के बाद वापस स्टेट में आएगा अप्रूवल के लिए, और स्टेट उसके ऊपर नए रेगुलेशन बना सकते हैं। कॉन्करेंट लॉ में ये भी करना है, ये भी करना है। यूनियन लॉ में आपको सिर्फ ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, स्टेट लॉ में सिर्फ ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, कॉन्करेंट में ये भी करना है, बाद में ये भी करना है, क्लियर है सर? ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। आपका कोई भी लॉ ले लो, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, उसके बाद में इंटर का, कंपनीज एक्ट, उसके बाद में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, अगर आप फाइनल पे आ जाओ तो कंपनी एक्ट, फेमा, सेबी, सिकरा, बैंकिंग इंश्योरेंस, IRDA, सरफेसिया, PMLA, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जितने भी इंडिया के लॉज है, बस यही प्रोसेस है जिसके थ्रू ये पास किए जा सकते है। ये छोड़ के दूसरा प्रोसेस इंडिया में नहीं है। समझ में आया तो लाइक ठोकिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है? जरूर बताइए। और जो कल आपने 2 पेज का डिवीजन किया था, उसमें से आधा चार्ट आपने लिखा था, या उसके बाद बचा हुआ आधा चार्ट है, उसी के आगे कैरी फॉरवर्ड करके लिखना है। कल हमने लिखा था स्टैंडिंग कमिटी के अप्रूवल के साथ, उसके नीचे ही आपको ये स्टेप्स लिखते जाने हैं। कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। पता रहना चाहिए मेरे को आपको समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा ये भी बताना। गो फॉर इट फास्ट।
पूरा डाटा लिखना, हर चीज जो मैंने बोर्ड पे लिखी है मुझे लिखी हुई दिखनी चाहिए बेटा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। डिक्लेरेशन इन ओजेड मतलब ऑफिशियल गैजेट, जो भारत का राजपत्र आपने देखा हुआ है वही ऑफिशियल गैजेट होता है। एनडीए यूपीए का डिफरेंस बोल दिया बेटा, एनडीए मतलब बीजेपी और अलाइड पार्टी, यूपीए मतलब कांग्रेस और अलाइड पार्टी, ऊपर लिखा है सबसे ऊपर स्लाइड में देखिए। वेटो पावर अभी डिस्कशन में आएगा, जस्ट वेट बेटा। कॉन्करेंट लॉ आफ्टर सेंट्रल प्रोसेस गोज विद द स्टेट प्रोसेस, फिर वो कंट्री में अप्लीकेबल होता है और स्टेट में अप्लीकेबल होता है। एस एल ए कैन मेक द चेंजेस बेटा, जो उनको सही लगते हैं वो चेंजेस वो कर सकते हैं। फटाफट लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन सिर्फ अपर हाउस लोअर हाउस में देना पड़ता है, हाउस ऑफ पीपल में, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में वो फिर ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया तो मुझे बताइए कमेंट्स में, नहीं हुआ तो रुक जाते हैं, नहीं हुआ तो भी बताइए लिखना। सेफ्टी के लिए क्रीन शॉट भी खींच के रखिए, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में बताइए बच्चों, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा गलती से। हाँ 545 में टू एंग्लो इंडियंस होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो होते ही है, बट एंग्लो इंडियंस का इतना प्रभाव नहीं रहता इसलिए मैंने बोला। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग, चलो डन एवरीबडी। किसी का रह गया तो बताइए प्लीज। चल बहुत बढ़िया, अब अगर ये चीज़ आपकी हो गई है तो मैं अगले कंटेंट के ऊपर जाने की कोशिश करूंगा।
इस पूरे प्रोसेस में कुछ क्वेरीज है जो आपको जरूर आएगी, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहीं पे सॉल्व करनी चाहिए, इसलिए कुछ चीजों को ध्यान देना, ठीक है? आई एम गोइंग अपफ्रंट, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए। पहला, स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग पासिंग अ प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है? आ जाइए। सबसे पहली बात, सर सर एक सवाल आया, सर बहुत जोर से आया है। जाके आओ बेटा। सर जाके आओ नहीं, सर सवाल का जवाब दो। जोर से आया तो पूछो। सर इतने जोर से सवाल है, अरे पूछो भाई। सर आपने बोला पहले हाउस ऑफ पीपल में पास होगा। हाँ बेटा। सर फिर तुमने बोला सर हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल पे पास होगा। हाँ बेटा, क्या गलत बोला? सर पर इतना समय है ही नहीं, अर्जेंट में लॉ आया है, बहुत जोर से लॉ आया है, एकदम अर्जेंसी में पास करना जरूरी है। पार्लियामेंट के साइड में बम फट गया सर, ए यहीं फट गया चेयर के नीचे, बूम। सर एक आधा पॉलिटिशियन उड़ गया, बूम। सर क्या करे? सर बताइए सर। बात तो सही है, अगर कभी कोई लॉ बहुत अर्जेंसी में आ गया, बहुत अर्जेंसी में, कि भैया कल हमको ना भैया पाकिस्तान के साथ वॉर करना है, वैसे वॉर बहुत बुरी चीज है पर पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आता, कल हमको पाकिस्तान के साथ वॉर करना है, उड़ा ही देना है, खत्म ही करना है, नक्शे से रहना ही नहीं चाहिए जिंदगी के अंदर। सो कल हमने डिसाइड कर लिया कि भैया वॉर करना, वैसे करने की इच्छा नहीं है हमारी, हम शांति प्रिय लोग हैं, पर अगर कोई बाज ना है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हम लाते भी मारेंगे और ऊपर से क्या क्या मारेंगे उनको ही मालूम, समझ में आ रहा है? तो कल हमको पाकिस्तान से वॉर करना है, तो ऐसे केस में हमको अर्जेंटली एक लॉ की जरूरत है, एकदम अर्जेंट में। तो क्या अर्जेंट में लॉ पास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पार्लियामेंट का दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेशन हो सकता है, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन मतलब ज्वाइंट सेशन नालायक, वो ज्वाइंट सेशन नहीं, नालायक ज्वाइंट सेशन नहीं, ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा 545 मेंबर्स और 245 मेंबर्स एक साथ बैठेंगे। हाँ, जो कॉमन है वो डबल होके नहीं बैठ सकते, वो वैसे ही रहेंगे, पर 545 मेंबर्स 245 मेंबर्स एक साथ बैठेंगे और एक साथ मिलके लॉ पास करेंगे अर्जेंट बेसिस पे। पूरे इंडिया के 70 साल की हिस्ट्री में, अभी 73 ईयर्स हो गए, पूरे इंडिया के 73 ईयर्स के हिस्ट्री में सिर्फ 3 लॉज ऐसे हैं जो जॉइंट सेशन में पास हुए हैं, उसमें से 2 पास हुए, एक तो हुआ भी नहीं। पहला, और ये तीनों आपको पता है, पहला तीन ही, दोनों आपको पता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 वाला, जो 1960 में पास हुआ था, इसलिए इसका ईयर 1960 लिखा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां 61 कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर 60 में पास हुआ इसलिए मैंने 61 लिखा, ठीक है? बैंकिंग सर्विसेज रेगुलेशन कमीशन बिल आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ भी नहीं है, सिर्फ जॉइंट सेशन में कंसिडर किया गया था, क्लियर है? और हमारा जो साइड में बम फूटा चेयर के नीचे, बूम, तो फटके हाथ में आ गई, वो वाला लॉ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002, पार्लियामेंट के अटैक के बाद जो पास हुआ, देखो कितने अर्जेंट में पास किया इन्होंने, ठीक है? बाकी जब लोग पूरे इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, 99 बॉम्ब ब्लास्ट, लोग मर रहे थे, तब इनको आवाज यहाँ साइड में, बाप रे साइड में फट गया, जल्दी पास करो सब मिलके, ये चीज हुई इनकी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। तो ये तीन ही लॉ है जो अभी तक जॉइंट सेशन में पास हुए हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना। एक और यहां पे पावर होता है, एक और पावर होता है यहां पे, दैट इज वेटो पावर, प्रेसिडेंट का वेटो पावर। किसी ने मेरे को पूछा था अभी कमेंट में, सर वेटो पावर बताइए, सिंपल एज दैट। वेटो पावर का मतलब होता है प्रेसिडेंट के पास एक राइट है कि वो इंडिया के पास किए गए किसी भी लॉ को रिजेक्ट कर सकता है सिर्फ एक बार, ठीक है? प्रेसिडेंट ही क्यों? क्योंकि आपने बचपन में सिविक्स में पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट इज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ये देश का पहला नागरिक होता है, इसलिए उसके पास पावर है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, क्लियर है? लेकिन उसके साथ रीजन देने पड़ेंगे। सेम लॉ अगर वापस पास होकर आया विथ रीजन, विदाउट रीजन, तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। इस चीज को कहा जाता है वेटो पावर, क्लियर है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है? तीन टाइप के ऐसे लॉज है जो प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता या प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए नहीं रुकते। कौन से ऐसे लॉज है? मनी बिल, मनी बिल, मनी बिल मतलब मॉनेटरी बिल, जैसे फाइनेंस एक्ट वगैरह, जीएसटी वगैरह, जो मनी से रिलेटेड लॉ है वो प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसको रिजेक्ट कर देगा तो भैया इनकम टैक्स में अमेंडमेंट कब आएंगे, फिर अगले साल का टैक्स असेसमेंट कैसे होगा, फिर तो पूरी सिस्टम रुक जाएगी, इसलिए मनी बिल नहीं। और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके हम प्रेसिडेंट के कुछ पावर कम करना चाहते हैं और प्रेसिडेंट ने ही नहीं बोल दिया तो कैसे कम होंगे, इसलिए ये दो बिल
ये प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? ये भी कुछ एडिशनल पॉइंट है, आप ये नोट करके रखिए। मेरे को ऐसा लग रहा है आज मौसम बड़ा बेईमान है, सब लोग ऐसे ठंडे पड़े हुए हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में भी ऐसे मेरे को फील आ रहा है, पढ़ाते पढ़ाते वो समझते हैं ना, टीचर को एक एनर्जी महसूस होती है, आज ऐसे महसूस हो रहा है कि कोई दमी नहीं है तुम्हारे अंदर। मतलब क्या हो, क्या गया? तुम्हारी सबकी गर्लफ्रेंड तुमको एक साथ धोखा देके भाग गई, एक साथ बॉयफ्रेंड सबको धोखा देके भाग गया, या तुम्हारे बाबू छोना पिकाचू ने तुमको अभी तक रिप्लाई नहीं किया? हो क्या गया जिंदगी में तुमको? हाँ तुम तो सीए कर रहे हो, वैसे भी तुमको होंगे नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो बात अलग है, क्लियर? बट हो क्या गया, ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है? सो फटाफट मुझे बताइए, गो फॉर इट फास्ट, ये लिख लीजिए। अच्छा, स्लो मो और स्लो मोड ऑन है, इसलिए स्लो मोड तो बेटा इसलिए ऑन है क्योंकि स्पैम ना करे कोई, फिर एक ही बंदा कमेंट करते बैठ जाता है। ठंड, वाह वाह वाह, क्या रीजन है ठंड। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग अभी तक के रजाई से निकले भी नहीं होंगे, सवेरे उठे, अरे दर्शन सर का लेक्चर है, मस्त ऐसे सवेरे उठे होंगे, दर्शन सर का लेक्चर है, मस्त रजाई लेके मोबाइल सामने रखते, मम्मी एक चाय लाना, लेक्चर चल रहा है, ये होगी ना मस्त ठंड। मालूम मेरे को, नालायक लोगो उठो, जिंदगी में मुंह तो भी धोया, ब्रश तो भी किया गया। आगे फटाफट लिखिए, मोड स्लो नहीं है, तुम स्लो हो चुके हो सबके साथ। अंकित को धोखा दे गई, अंकित इतनी सारी पटानी नहीं चाहिए यार कि सब धोखा देके चली जाए। अरे पढ़ते वक्त ना करे, बाकी वक्त क्या हो गया है जिंदगी में सबको। ये देखो, ये नाश्ता करते हुए देख रही हूं, रहा हूं, वर्षा लुनावत देख रहा हूं, क्या हो गया ये। लखन गर्ग का बर्फ बन गया है, 2 डिग्री टेम्परेचर है। शानदार कृष्ण कुमार, जबरदस्त। सो हमने स्लो मोड का टाइम रिड्यूस कर दिया है टू 30 सेकेंड्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, मॉम का मोबाइल पे आयुष दिख रहा है, शानदार बेटा आयुष, जबरदस्त। आपकी मॉम को मेरा प्रणाम बोलना। पेन ड्राइव बेटा 1 जनवरी से शुरू होगी डिलीवरी करना। जो भी लोग ऑर्डर दे रहे हैं, हाँ ये एक डिक्लेरेशन में सबको दे दूं, जो भी लोग पेन ड्राइव ऑर्डर कर रहे हैं, लॉकी बुक्स प्रिंटिंग में है, क्योंकि अभी सब अपडेट आए हैं, 31 अक्टूबर तक के जितने भी अपडेट है वो मेरे को बुक में डालने पड़ रहे हैं, ठीक है? तो उनका एनालिसिस करके अभी वो बुक में डाले गए हैं, अभी बुक्स प्रिंटिंग में जाएगी आज, ठीक है? तो आपके पेन ड्राइव 1 जनवरी से शिप होना शुरू होंगे, ये चीज को आपने याद रखना अच्छे से, क्लियर है? तो 1 जनवरी से 7 से 10, अभी आप कितना दूर रहते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, गांव में रहते हो, उसके ऊपर डिपेंडिंग हो सकता है आपको ये पेन ड्राइव डिलीवर किए जाएंगे, क्लियर है? तो थोड़ा सा शांति बनाए रखना, आपको सब अपडेटेड चीजें देनी है, इस चक्कर में ही डिले हो रहा है, अदरवाइज होगा क्या, मैं पुरानी बुक्स भी दे सकता हूँ जो हमारे पास पड़ी है, उल्टा मेरा खर्चा बच जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं खर्चा करके जानबूझ के पूरी अपडेटेड बुक्स दे रहा हूँ, तो थोड़ा शांति रखना, जितने भी लोग ऑर्डर किए हैं ऑलरेडी उन लोगों ने, ठीक है? ये मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज, ठीक है? चलो ये हो गया सबका, फाइनल की पीडी लॉकी अवेलेबल है बेटा May 21 के लिए, प्रकाश पांडे आप अभी भी ले सकते हो। चलो डन। प्रेसिडेंट बेटा दूसरे बार रिजेक्ट नहीं कर सकता लखन गर्ग, ये बात को आपने याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉम्बो डिस्काउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, जो डिस्काउंट मान रहे हैं पूरे ग्रुप वन के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, पूरा ग्रुप वन उठा लीजिएगा, ठीक है? चलो ये चीज के बाद में मैं अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है?
मेरे को ये थोड़ा स्लो मूव पर से याद आया, मतलब एक चीज मैं आपको शांति से बोल दूं, अभी मेरे को थोड़ी सी याद आई है, मेरी ही थोड़ी सी कहानी, तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने आपको बोल देना चाहिए। ठीक है, लाइफ में बड़ा दो चीजें याद रखना हमेशा, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं पर काम की चीज बोल रहा हूं, लाइफ टाइम काम में आएगी। फर्स्ट चीज, जैसे आज आपको हो रहा है, अभी हमारा तीसरा अगर लेक्चर शुरू है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा यार क्या चल रहा है लाइफ में, पढ़ाई करनी पड़ रही है, मोबाइल के ऊपर लेक्चर देख रहे हैं, रिजल्ट तक के वेट करना है, रिजल्ट तक के वेट भी कर नहीं पा रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा। सीए करते वक्त ये कई बार लगता है, आप फाउंडेशन के थ्रू गुजरे हो, आपने आपको एक्सपीरियंस आया होगा ऑलरेडी कि ये कई बार लगता है कि यार जाने दे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। मेरे को भी लगता था, नॉट इशू। जैसे आज सब लोगों को मैं स्लो देख रहा हूं, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि आज थोड़े स्लो हुए हैं, तो कुछ लोग शायद थोड़े से डिमोटिवेटेड होंगे, यार क्या चल रहा है, जिनको रिजल्ट का टेंशन आया होगा। देखो बेटा, एक बात आपने याद रखना, सिम बहुत सिंपल चीज है, पास या सक्सेस हम जिसको कहते हैं, वो उसको नहीं मिलती जो अच्छे समय में ही काम करता रहता है। अच्छा समय चल रहा है तो कोई भी काम कर लेगा, मेरा अच्छा समय चल रहा है, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन पास या सक्सेस बस उसी को मिलती है, इसको तो गारंटीड मिलती है, जो बंदा समय बुरा भी हो या स्मूथ भी हो या डाउन भी हो तो भी काम करता रहता है। समझो आज तुम्हारी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, हो सकता है संडे हो, संडे मॉर्निंग को तुम उठे, सवेरे 7 बजे तुम्हारी नींद खुल गई, 6 बजे नींद खुल गई, अब तुम सोचे यार आज संडे है, जाने देते हैं, रहने देते हैं, लेकिन कल तुम प्लान बना के बैठे थे, कल ही तुमने प्लान बनाया, प्लान तो हम इतने बनाते हैं जिंदगी में, आपको भी पता है, कल ही तुमने बैठ के बुक पे प्लान बनाया था कि कल से पढ़ूंगा, और आज जब तुम उठे तुम्हारी मन में इच्छा नहीं जाग रही कि आज मैं पढ़ूंगा, तुम पड़े हुए हो बेड में। ऐसा समय बहुत बार आएगा, यही वो समय होता है जब दिमाग करना बंद और काम करना शुरू। आपको क्या लगता है ये जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रोनाल्डो, रोनाल्डो दुनिया का बेस्ट प्लेयर माना जाता है, लियोनेल मेस्सी, अभी तो लियोनेल मेस्सी से भी ज्यादा रोनाल्डो को ही माना जाता है, भले मेस्सी का भले बीच में नाम क्यों ना हुआ हो, रोनाल्डो का रिकॉर्ड रहा है कि वो पूरे टीम के साथ पहले प्रैक्टिस करता है थ्रू आउट द डे, और उसके बाद 3 घंटे का, कम से कम 3 घंटे का, दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, पूरी टीम के साथ पूरी प्रैक्टिस खत्म होने का 3 घंटे तक खुद की अलग से प्रैक्टिस करता है, खुद का अलग से कार्डियो करता है, खुद की अलग से स्पीड डेवलपमेंट, जिन चीजों के ऊपर उसको वर्क करना है वो करता है। ये बंदा इतना डेडिकेटेड है कि डाइट में कौन से समय पे, कौन से टाइम पे, कौन से सेकंड पे, कौन सी चीज खानी है वही चीज वो खा सकता है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो कि जिसके पास पैसा है वो कोई भी कर सकता है, रोनाल्डो के पास तो इतना पैसा है वो तो कर ही सकता है, विराट कोहली देख लो उसके पास भी इतना पैसा है तो कर ही सकता है। ना बेटा, इन लोगों के पास सक्सेस और पैसा आया क्योंकि इन्होंने ये चीज ऑलरेडी शुरू कर दी थी। कभी ऐसा नहीं होता कि पैसा आने के बाद आप शेड्यूल लगाते हो, शेड्यूल आपका पहले लग जाता है, पैसा और सक्सेस बाद में आता है। आपको शायद नहीं पता, रोनाल्डो की जो मॉम थी, मैं अभी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, रोनाल्डो की जो मॉम थी वो घर घर जाके काम कर रही थी, और रोनाल्डो फुटबॉल सीख पाए इसलिए उसकी मॉम ने डे एंड नाइट शिफ्ट की है, कुछ कुछ दिन तो उन्होंने नियरली 20-20 घंटे तक काम किया है कि उसकी फुटबॉल के ट्रेनिंग की फीस पे की जा सके। आप कभी भी रोनाल्डो का इंटरव्यू देखोगे ना, वो बोलता है इस पूरी चीज का क्रेडिट, मैं फुटबॉल का बेस्ट स्टार हूँ, इसकी पूरी चीज का क्रेडिट मेरे को भी नहीं जाता, पूरा क्रेडिट मेरे मॉम को जाता है, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी झंड कर ली थी, घर के अंदर कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए थे सिर्फ इसकी फुटबॉल ट्रेनिंग की फीस भरने के लिए। ऐसे लोगों के एग्जाम्पल पढ़ो लाइफ में। आपको क्या लगता है रोनाल्डो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर होता अगर संडे मॉर्निंग को वो सोचता था कि नहीं आज तो संडे, आज तो मैं छुट्टी लूंगा, आज मैं कोई ट्रेनिंग नहीं करूंगा, क्या वो रोनाल्डो बनता था? विराट कोहली के डैड गुजर गए थे, एक दिन विराट कोहली सर वहां पे रुका, दूसरे दिन मैच थी, चुपचाप आ गया। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, महेंद्र सिंह धोनी को बेटी हुई थी, बेटी हुई थी जब महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप टूर के ऊपर था, ऐसे ही नाम नहीं होते, मालूम था बेटी हो सकती है ये पीरियड के अंदर, बंदे ने ब्रेक नहीं लिया क्योंकि मालूम था इंडियन टीम का कैप्टन है, रहना पड़ेगा, भले ही वर्ल्ड कप जीते ना जीते बंदा वहां पहुंच गया था। ये चीजें होती है, ये लोग ऐसे ही नहीं बनते, नाम कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है भाई। आप अगर बोल रहे हो कि मैं स्लो हो गया और मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि आज संडे है, भैया मेहनत में कोई संडे नहीं होता और ना ही हो पाता है। हाँ मैं मनाता हूं, लेकिन मैं कब मनाता हूं? जब हाथ के काम थोड़े से लूज हो जाए। आपको क्या लगता है हमारा नाम ऐसे ही हुआ? हम टीचर है, हमारा नाम ऐसे ही हुआ? हमारे भी वो दिन थे, आप अगर 7-8 साल पहले मेरे को मिलते थे जब मैंने मेरा टीचिंग शुरू किया था तो आप देख सकते थे, दिन भर 9-10 घंटे क्लास लेने के बाद में रात को 2-3 घंटे जाके नोट्स बनाता था, 2-2 बजे तक जाग के। ऐसे नहीं मिलता भाई नाम, बिल्कुल नहीं मिलेगा,
संडे मनाने वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, रिजल्ट तक के वेट करने वालों को भी नहीं मिलेगा। मेहनत ताबड़तोड़ चाहिए, तुमको सीए की डिग्री चाहिए ना तो मेहनत भी वैसी ही चाहिए। मैंने आपको कल ही बोल दिया था, जिस दिन तुम पोटेंशियली और नॉलेज वाइज सीए बन जाओगे, इंस्टीट्यूट के पास में भी ऑप्शन नहीं रहेगा पास करने के सिवा। मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल फेल आदमी हूं भाई, मैं अपफ्रंट बोलता हूं, सबको बोलता हूं, किसी से मैं ये छुपाता नहीं हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सीए फाइनल में फेल था, और आपको यकीन नहीं होगा, आज मैं बोल दूं, तीसरा लेक्चर है, तीसरे ही लेक्चर में बोल दूं, एडमिशन नहीं लिया तो सुन लेना, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल में लॉ सब्जेक्ट में ही फेल था। 34 मार्क्स आए थे मुझे, सिर्फ 34, क्योंकि मैं, मुझे जिस टीचर ने पढ़ाया और उनके नोट्स में जो लिखा था इसमें कोई संबंध ही नहीं था। मेरी सीए फाइनल की लॉ की नोट्स 250 पेजेस में खत्म हो चुकी थी, 250 पेजेस में ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स थी, खत्म हो चुकी थी। मेरी सीए इंटर की जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं वो 250 पेजेस के, उसके ऊपर क्वेश्चन यार अलग, उसके ऊपर चार्ट्स अलग। मेरी सीए फाइनल की नोट्स 250 पेजेस की थी हार्डली, वो पढ़ रहा था टीचर जो पढ़ा रहा था, नोट्स में जो लिखा था कोई संबंध नहीं होता था, फेल हो गया। थ्योरी सब्जेक्ट वीक थे, आप मेरे को बोलो ना प्रैक्टिकल अकाउंट्स एफएम सॉल्व करके बताओ, दर्शन सर कॉस्टिंग सॉल्व करके बताओ, फटाफट सॉल्व कर दूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कॉस्टिंग में एग्जम्पशन आ चुका था, 60 मार्क्स आ गए थे, वो सब्जेक्ट वैसे ही कम हो गया था, इतना प्रैक्टिकल। और कॉस्टिंग मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार पढ़ा सीए फाइनल पे, एसएफएम पास हो गया था पर एग्जम्पशन नहीं था, अकाउंट्स पास हो गया था एग्जम्पशन नहीं था, थ्योरी ही वीक था, थ्योरी सब्जेक्ट ही वीक था, लॉ में ही मैं फेल था। आज मैं लॉ ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, अब सोचो इसके लिए क्या घट्स लगे होंगे या क्या करना पड़ा होगा। मैंने ये अज्यूम किया कि जो मेरे ऊपर बीती है वो बच्चों के ऊपर बीतनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं अपन लॉ ही पढ़ाएंगे। सेकंड अटेम्प्ट में लॉ मैंने मेरे हिसाब से पढ़ा, पूरी गूगल के ऊपर सर्च करके, घर पे एक कंप्यूटर पड़ा रहता था उसके ऊपर सर्च करता था। आप गूगल के फर्स्ट पेज के बाद कभी गए नहीं होंगे लाइफ में, मैं गूगल के 13वें 14वें पेज के सर्च लिस्ट में भी जाके आया हूं जब मैं रिसर्च करने बैठा था, तो सिर्फ लॉ के लिए। तो ऐसे ही ज्ञान नहीं आता बेटा, और ऐसे ही नाम नहीं होता। आज थोड़े बच्चे मेरे को स्लो दिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मेरे को ऐसा फील आ रहा है, मेरे को एनर्जी कई बार फील होती है सामने वाले पर्सन कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो आज मेरे को स्लो दिख रहे हैं। समय स्लो दिखने का नहीं है, और आप अगर वेट कर रहे हो रिजल्ट के लिए और ये सोच रहे हो कि रिजल्ट आने के बाद मैं देखूंगा, ये आपका डिसीजन है। पर अगर इस समय में आप मेहनत कर लो तो कुछ बुरा तो नहीं है। जहां मैं एंजॉय करने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूं, क्लास कर लो बाद में पूरा टाइम एंजॉय करो, नेटफ्लिक्स की सीरीज देखो, ये रिजल्ट का समय एंजॉय करने का है पर इसको बैलेंस करो, ठीक है। अगर आप नवंबर एग्जाम दे, मई एग्जाम दे रहे हो तो आपने करना ही चाहिए अभी क्लास और पढ़ाई भी करनी चाहिए। अगर आप नवंबर एग्जाम दे रहे हो तो अभी से अगर आप मेहनत करोगे तो ये चीज को याद रखना, आप ऑलरेडी 2-3 स्टेप आगे निकल जाओगे जो लोग रिजल्ट के बाद पढ़ाई करना शुरू करेंगे उनसे कंपेरिजन में। नहीं होता ना, इनके सक्सेस स्टोरीज कभी पढ़ लेना, ठीक है। जो गोल रोनाल्डो कभी मिस करता था ना, समझो एक आधा गोल उसका मिस हो गया, आपने कभी देखना उस गोल के टाइप के कम से कम 100 बॉल वो उसके बाद जब तक शूट ना करे ना, 100 बॉल जब तक उसी एंगल से उसी डायरेक्शन में उसी कर्व के साथ, फुटबॉल में भी आपने देखा होगा कर्व करके बॉल जाती है, उसी कर्व के साथ वो बंदा जब तक शूट ना करे ना वो घर पे वापस नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिस होती है, गलती हुई कैसे साला, ये गलती होनी ही नहीं चाहिए लाइफ में, ये प्रैक्टिस होती है, तो ये चीज को याद रखो, ठीक है। स्लो होने का समय नहीं है, ये चीज को याद रखना। मैं फेल हुआ था, मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, अगर मैं लॉ में फेल होने के बाद लॉ पढ़ा सकता हूं जब मेरा खुद का थ्योरी सब्जेक्ट वीक है, तो भैया तुम तो मेरे से शार्प हो। मेरे को तो 10वीं में 60%, मेरे को पूरे 12वीं तक के मेरे को 60% के ऊपर मार्क नहीं थे, 60% मेरा लाइफ का हाईएस्ट स्कोर रहा है। सीए में आने के बाद तो बिल्कुल ही सवाल पैदा नहीं होता, फिर तो स्कोर मैटर ही नहीं करता, कैसे तो भी पास हो जाओ यही काफी रहता है, रैंकर वाला भी वही रहता है, पास वाला भी वही रहता है, क्लियर है। तो मेरे पूरे लाइफ का मैक्सिमम स्कोर 60% है, मेरे को सिर्फ फोर्थ स्टैंडर्ड में 94% मिले थे, क्लियर है। मैं इतना, मेरे से तो कई ज्यादा आप बच्चे अच्छे हो लाइफ के अंदर, जिनको अच्छे खासे परसेंटेज आए हुए होंगे, 60% से तो ज्यादा ही होंगे आप सबको। सो प्लीज डू गुड, ऐसे समय वेस्ट ना करो, और कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो ताकत से पढ़ो, हम हैं पढ़ाने के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना, हमें मालूम था रिजल्ट तक के बच्चा नहीं पढ़ने वाला, इसलिए हम लेकर आए कि भाई नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते पहले 15-20 लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट बच्चा डिसिप्लिन में तो आएगा, नहीं तो हमको ये लेक्चर पेनड्राइव में देने के लिए क्या तकलीफ थी, हम वैसे भी दे सकते थे, इनक्रिप्ट करते थे पेनड्राइव में आपको दे देते, हमको लाइव आने की जरूरत क्या थी। ये सिर्फ इसीलिए, ये पूरी मेहनत सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि रिजल्ट तक का समय आप ना गवाओ, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, तो आई गेस आइडिया आ चुका होगा, ठीक है। पढ़ो तो हद करो वरना प्रोग्राम रद्द करो, जिंदगी रूढ़ है तो हम भी बड़े डूढ़ है, ये चीज को याद रखना। जिंदगी रूढ़ है, जिंदगी बुरे समय दिखाएगी, अच्छे समय दिखाएगी, जिंदगी रूढ़ है पर अपन भी बहुत डूढ़ है,
ये चीज को याद रखना, कंसेप्ट समझ में आया, फाइट करते रहना, पढ़ते रहना, अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं है लाइफ के अंदर। चलो इसी ज्ञानदान के साथ, आई होप सो आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। स्लो ना होइएगा, बहुत जरूरी है तुमको पढ़ना, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में। मैं अगर तुम्हारे जगह पे एग्जाम दे सकता तो मैं पास करवा देता था, पर ये हो नहीं सकता। खुद का ज्ञान खुद ही को समझना पड़ेगा, और मैं एग्जाम दे दूं तो फायदा क्या तुम्हें, फिर दर्शन खरीद 150-200 बार सीए बन जाएगा एक और बार, और हमें तो कोई टेंशन है नहीं, हम तो दे देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। सो जिंदगी रूढ़ है, हम भी बड़े रूढ़ है, ध्यान देना। सो ये हो गया आपका लॉ पास करने का प्रोसेस। अब मैं बढ़ रहा हूं बच्चों आगे, अपने पास नियरली हाफ आवर और बचा है, 12:45 तक आज खींचेंगे अपन, 15 मिनट ज्यादा, ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना, 15 मिनट ज्यादा थोड़ा सा अपन खींचेंगे आज, अपन अच्छी चीजें पढ़ के जाएंगे लाइफ में, ठीक है, लेट्स गो। आ जाइए अब इसके बाद में मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल नंबर 370 क्यों डिस्कार्ड हुआ उसके कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूंगा जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जम्मू एंड कश्मीर क्यों डिस्कार्ड हुआ, आर्टिकल नंबर 370 क्यों डिस्कार्ड हुआ, ये बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि डिस्कार्ड हो गया, पर क्यों डिस्कार्ड हुआ उसके रीजन नहीं पता होंगे, तो आपको लेके जाऊं वहां पे, और यहां पे थोड़ा सा देशभक्ति की बात आ जाएगी, क्योंकि बहुत जरूरी आपको पता होना कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बीजेपी ने क्यों बनाया, और ये अपोजिशन में जो लोग चिल्ला रहे हो फालतू लोग क्यों है, ये आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या हो रहा था। सबसे पहली बात, आपको शायद नहीं पता तो पूरे इंडिया में सभी गवर्नमेंट प्लेसेस के ऊपर, आप पुलिस स्टेशन बोल लो, हॉस्पिटल्स बोल लो, सभी गवर्नमेंट प्लेसेस के ऊपर इंडिया का फ्लैग लहराता है, सिर्फ इंडिया का फ्लैग। आपको यकीन नहीं होगा, जम्मू कश्मीर स्टेट में ऐसा हुआ करता था कि जम्मू कश्मीर में पहले जम्मू कश्मीर का स्टेट फ्लैग ऊपर जाता था, स्टेट का उनका फ्लैग है जम्मू एंड कश्मीर का, तुमने तुम्हारे स्टेट का कभी फ्लैग नहीं देखा होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फ्लैग बना के रखा था पॉलिटिशियंस में, इनमें लोगों का कोई हाथ नहीं है, लोग तो अच्छे ही होते हैं सब जगह के, किसी भी आदमी को वायलेंस पसंद नहीं होता। मैं महाराष्ट्र में हूं, कल महाराष्ट्र की हालत जम्मू कश्मीर जैसी अगर हो जाए तो मैं वायलेंस बिल्कुल नहीं मैं चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा भैया शांति बने रहे, लोगों की जान इसमें क्यों जाए, लोग नहीं, ये पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिशियन ही बहुत बेकार लोग है, ठीक है, सभी बेकार है, सभी बेकार है, ये सब हमको मिलकर पागल बना रहे हैं, ठीक है, जो भी है, बट उसमें से अब जो कम से कम पागल बना है उसको अपने को वोट देना है, बात खत्म। सो भैया जम्मू कश्मीर का स्टेट फ्लैग पहले ऊपर जाता था, बाद में इंडिया का फ्लैग ऊपर जाता था, और उतरते वक्त इंडिया का फ्लैग नीचे आता था, बाद में जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग नीचे आता था, कैसे? ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट है ना यार, आपका फ्लैग ऐसे अलग कैसे हो सकता है? दूसरी बात सुनो, एक एक चीज सुनो, क्यों 370 चला गया, क्यों अभी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, हमारे काम में है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बचपन में पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्यों एप्लीकेबल नहीं होता था अगर पढ़ा होगा तो, उसके पीछे रीजन थे, पर अभी एप्लीकेबल होता है क्योंकि इंडिया का पार्ट है। हर इंडियन, हर जम्मू कश्मीर के सिटीजन को 2 सिटीजनशिप मिलती थी। मुझे बता आपकी सिटीजनशिप क्या है, आप अभी इंडिया के सिटीजन हो, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया राइट नाउ। वैसे एक खास बात और पूछू, चलो 2 मिनट के लिए पूछता हूं, मुझे एक बात का जवाब देना, सब मिलकर एक बात का जवाब देना, इमेजिन करके कमेंट में मेरे को जवाब चाहिए बच्चों आपसे, क्या आप इंडिया के सिटीजन हो, जरा जवाब दो सवाल का, क्या आप इंडिया के सिटीजन हो, फटाफट बताइए, वेदर यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हो या नहीं हो, फटाफट, नहीं बोल पा रहे है। सो भैया ओके, आप इंडिया के सिटीजन हो ऑब्वियसली ना, चलो मैं आपको एक बात बताऊं, आप पैदाइशी इंडिया के सिटीजन नहीं हो, पर मैं पैदाइशी इंडिया का सिटीजन हूं, कैसे, मैं हूं सिटीजन, मैं पैदा होते ही सिटीजन बन गया, पर आप नहीं बने, ये बात को आपने याद रखना, आप इंडिया का सिटीजन नहीं हो। सर क्या मजाक कर रहे हो, मेरे सम पैरों के नीचे से इंडिया की जमीन खिसक गई सर, हां आप इंडिया का सिटीजन नहीं हो, आपके लिए कुछ अलग प्रोसेस है इंडिया के सिटीजन बनने की, पर मैं जैसे ही पैदा हुआ मैं इंडिया का सिटीजन बन गया था, कैसे, आपको एक मस्त मंत्र बोलता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, इसके ऊपर रिसर्च, मैंने बोला ना 12-13 पेज गूगल के सर्च तक मैं जा चुका हूं, तो उसके अंदर मैंने ये चीज देखी थी, नॉलेज के लिए बोलता हूं याद रखना, ठीक है, 1947 से लेके 4 जुलाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 जुलाई 1987 तक जो लोग इंडिया में पैदा हुए वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन हो जाते हैं जो लोग इंडिया में पैदा हुए 1987 4 जुलाई तक के। मैं 4 दिन से बच गया, मेरा बर्थडे डे 29 जून 1987 मैं बच गया, मैं पैदा होते ही इंडिया का सिटीजन हो गया था, और 4 जुलाई 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए
नियरली 2010 तक, 4 जुलाई 1987 के बाद 2010 तक जो पैदा हुए, तुम लोग, तुम सब लोग, तुम इंडिया के सिटीजन तभी बन सकते हो। अच्छा सुनना, तो इंडिया के सिटीजन तभी बन सकते हो अगर तुम्हारी मॉम या तुम्हारे डैड इंडिया के सिटीजन है। तो ना ना ना, ये मत बोलना वही बात है, ना ये मत बोलना वही बात है, तुम इसका दुख नहीं समझे। जिसके मॉम डैड फॉरेन के है पर पैदा इंडिया में, वो इंडिया का सिटीजन नहीं बन सकता। हाँ, तुम सिटीजन बने हो तुम्हारे वजह से, नहीं तुम्हारे मॉम डैड की वजह से। तो आज जब तुम ये लेक्चर बंद करो, तो अपने मॉम और डैड के सामने जाना, आंख में आंसू लिए उनको बोलना, पप्पा मम्मी तुम्हारे वजह से मैं इंडिया का सिटीजन बना हूं। ऐसा बोलना उनको, समझ में आ रहा, खुश हो जाएंगे वो। बोलना थैंक यू, पैर पड़ जाना, उनको लगेगा क्या हो गया मेरे बच्चे को आज। ठीक है, तो तुम इंडिया का सिटीजन हो तुम्हारे मॉम या तुम्हारे डैड की वजह से। 2010 तक के जो पैदा हुए, 87 से लेके 2010, समझ में आया। और जो लोग 2010 के बाद पैदा हुए, जो लोग 2010 के बाद पैदा हुए, तुम्हारे केस में तो ये ठीक है, मॉम भी सिटीजन है तो भी चलेगा, डैड भी है तो भी चलेगा, कोई एक है तो भी चलेगा। 2010 के बाद जो पैदा हुए ना, उनके तो मॉम डैड दोनों इंडिया के सिटीजन हो तो बंदा इंडिया का सिटीजन बनता है, दोनों होने चाहिए। तुम्हारे केस में एक ही था, अब जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे जब होंगे, ठीक है, अब तुम्हारे बच्चे कब होंगे पता नहीं, ऐसी हरकतें मत करना कि जिंदगी पे मारो ऐसा छापा कि हर गली से आवाज आए पापा पापा, ये हरकतें मत करना। ठीक है, जब तब तुम्हारे बच्चे होंगे, वो इंडिया के सिटीजन तभी बन सकते हैं जब तुम और तुम्हारी वाली या तुम्हारा वाला अगर इंडिया के सिटीजन है तो। सो अगर गलती से तुमने कोई फॉरेन की गोरी पटा ली, फॉरेन की मेम पटा ली और तुमने उसके साथ शादी कर ली, हुए बच्चे, तो इंडिया के सिटीजन ना होंगे बेटा, ये चीज को याद रख लेना। कंसेप्ट बताओ, ये तुम्हें चीज पता थी या नहीं पता थी, बताओ जरा मेरे को कमेंट्स के अंदर, कैसा लगा सुन के, जमीन कैसे धरती खिसक गई ना नीचे से पैर के। हाँ, तो तुम तुम्हारे मॉम डैड का जो सीट, मैं बॉर्न सिटीजन है, ये आई एम द बॉर्न सिटीजन, समझ में आया, पर तुम ना कैसा लगा, लेट्स गो, चलो समझ में आया सबको, हाँ है ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आप समझ में आया, नॉलेज मिलने से मतलब है, आप भी सिटीजन है, मैं भी सिटीजन है, इतना अभी मैं मतलब मजाक में बोल रहा था, इतना पर्सनली मत लेना, नहीं तो आके काला मारेगा मेरे को घर पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। एवरी इंडिया, हाँ, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सिटीजनशिप पर से। आपको तो जम्मू कश्मीर के सिटीजन, जम्मू कश्मीर के लोगों को दो सिटीजनशिप है, एक उनको इंडिया की सिटीजनशिप है और एक जम्मू कश्मीर की भी सिटीजनशिप है। इसलिए पता है, हमारे सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन में एक ही वोटिंग लिस्ट निकलती है, उसी वोटिंग लिस्ट पे हम मोदी जी को भी वोट कर सकते हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर को भी वोट कर सकते हैं। पर इसी वजह से आपको शायद नहीं पता, जम्मू एंड कश्मीर में दो वोटिंग लिस्ट है, सेंट्रल वालों की वोटिंग लिस्ट अलग है और स्टेट वालों की अलग। जो इंडिया के सिटीजन है वो सिर्फ सेंटर के वोटिंग लिस्ट पे वोट कर सकते हैं, मतलब मोदी जी के सरकार के ऊपर, लेकिन जो स्टेट के सिटीजन नहीं है वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करने के लिए वोट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है, वो जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करने के लिए वोट नहीं कर सकते जो स्टेट के नहीं है। हमारे केस में ऐसा नहीं होता है कि वोटिंग लिस्ट निकलती है, हम ही चीफ मिनिस्टर चूज करेंगे, हम ही प्राइम मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था। अगला, जम्मू कश्मीर में कुछ टैक्सेस थे ही नहीं, वेल्थ टैक्स नहीं था, अर्बन टैक्स नहीं था। हमारी जिंदगी में तो इतने टैक्सेस है, जीने से लेकर मरने तक टैक्स है, मतलब मैं तो इतने टैक्सेस पे करता हूं, कभी कभी तो मेरी इच्छा हो जाती है। मतलब देखो, सबसे पहले जीएसटी जो तुम ही लोग देते हो वो तो गवर्नमेंट को 18% जाता है, उसके बाद में टीडीएस कटता है, उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स कटता है और वो भी 30-40% तक के कटता है। मतलब कई बार तो इच्छा ये हो जाती है, गवर्नमेंट को लगता है एक काम करो, मेरा पूरा इनकम तुम रख लो, टैक्स मेरे को दे दो, इतना टैक्स भरना पड़ता है जिंदगी के अंदर, तो तुम भी इतना ही टैक्स भरो। मेरी दुआ है कि तुम सरचार्ज वाले लेवल के अंदर आ जाओ, क्लियर है आंसर, तो ही जाके कमाई होगी जिंदगी में। पर जम्मू कश्मीर के लोगों को यह नहीं लगता था। अगली चीज, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खुद जम्मू कश्मीर का सिटीजन नहीं था। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बुरी बात है, जो गवर्नर है जो स्टेट के लॉ को अप्रूव कर रहा है वो खुद ही जम्मू कश्मीर का सिटीजन नहीं होता। मतलब क्या बोलना, क्योंकि गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करता है, तो ये बोलते थे सेंटर ने अपॉइंट किया, वो बंदा किसी कोई भी हमारा नहीं है, पॉलिटिशियंस। अगली चीज, जम्मू कश्मीर में देश का फ्लैग जलाना, हमारा तिरंगा जलाना, हमारा तिरंगा जलाना जम्मू कश्मीर में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था। इंडिया के हर राज्य में, इवन अंडमान निकोबार में भी ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप तिरंगा जलाने की कोशिश करो ना, आपको उठा के जेल में डाल देंगे 6 महीने से लेके 7 साल, ऊपर से फाइन लग सकता है 5 लाख रुपए तक का।
जम्मू कश्मीर में ही ऑफेंस नहीं था, इसलिए आपने देखा जो वो मिशन कश्मीर वगैरह मूवी तो वो बनाते थे ना, तो उस मूवी में जो नेशनल फ्लैग जलते हुए दिखाते थे वो नेशनल फ्लैग जम्मू कश्मीर में जलाते थे और पूरे इंडिया में ब्रॉडकास्ट करते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही ये हो सकता था, ये कोई लॉ है? अगली चीज, मतलब ये तो कतई डिफरेंट है। सिर्फ तीन टाइप के लॉस जम्मू एंड कश्मीर वालों ने एक्सेप्ट किए थे। कौन से तीन टाइप के लॉस? रेवेन्यू लॉस जम्मू एंड कश्मीर वालों ने, मतलब भैया इनको पैसा जरूर चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि पैसा यहीं से आएगा। डिफेंस लॉस, क्योंकि इनको डिफेंस भी चाहिए, साइड में पाकिस्तान है, इस साइड चाइना है, दोनों मार रहे हैं, तो इनको डिफेंस लॉस भी चाहिए क्योंकि हमारे सोल्जर तो 30-40% वही पड़े रहे ना जिंदगी के अंदर, खुद की जान दे इन पॉलिटिशियंस के लिए। और तीसरा फॉरेक्स लॉस, जो फॉरेन एक्सचेंज के लॉस है, ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर की करेंसी रुपीज ही है, हमारे देश की करेंसी है, तो ऑब्वियसली फॉरेक्स लॉस। तो ये सब चीजों के वजह से जम्मू एंड कश्मीर में अलग ही गवर्नमेंस चलता था। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, लोगों की वजह से नहीं है बेटा, ये पॉलिटिक्स की वजह से चलता है। इसके भी एडिशन में बताऊं तो ये धारा 370 जो खारिज की गई, आपको यकीन नहीं होगा, कुछ रूल्स तो ऐसे है कि इनका जान घुटने का मन कर देता है जिन लोगों ने यह किया होगा उनके लिए। आपको पता है जम्मू कश्मीर में 6 ईयर्स का चीफ मिनिस्टरशिप होता है, पूरे इंडिया में 5 साल ही रहता है, जम्मू कश्मीर में 6 साल रहता है। कोई भी हाई कोर्ट का डिसीजन, इंडिया में सभी 24 हाई कोर्ट के डिसीजन पूरे इंडिया में चलते हैं, जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट के डिसीजन नहीं चलते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन माना जाता है। इसके भी एडिशन में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, एक चीज सुनना, जम्मू कश्मीर की लड़की इंडिया के किसी लड़के के साथ अगर शादी कर लेती थी ना पहले, जम्मू कश्मीर की लड़की इंडिया के लड़के के साथ शादी कर लेती थी ना, तो भैया उस लड़की की जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप चली जाती थी और वो इंडियन लड़के को भी कोई सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। इसमें मेरे को दुख नहीं है, इसमें कोई दुख नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, पर अगर जम्मू कश्मीर की लड़की पाकिस्तान के किसी बंदे के साथ शादी कर लेना, पाकिस्तान के बंदे के साथ, तो लड़की तो जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप लेती ही थी, पाकिस्तान के बंदे को भी जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप मिलती थी। कितनी बुरी बात है, यही एक रास्ता होता था टेररिस्ट को और एंट्री करने के लिए। अब जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप मिल गई, मतलब इंडिया की मिल गई। अब अगर किसी ने जम्मू कश्मीर की लड़की कश्मीर की कली के साथ शादी कर ली और वो बंदा है पाकिस्तान का, वो आ गया इंडिया में के रहने लग गया, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, कैसे पहचाने टेररिस्ट है या नहीं है, कैसे पहचानोगे? ये हाल थे। कोई भी इंडियन पर्सन जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं परचेस कर सकता था, वो भी 370 के साथ हटाया गया। आज जाके हम जम्मू कश्मीर में लैंड परचेस कर सकते हैं, हमारे अच्छे खासे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सब सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हम भैया इंडस्ट्रीज सेट करेंगे। भैया इंडस्ट्रीज सेट होगी, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, लोगों को जॉब मिलेंगे, जम्मू कश्मीर की टोटल जीडीपी बढ़ जाएगी अच्छे से, वो अच्छा खासा फला फूला राष्ट्र, स्वर्ग है जम्मू कश्मीर इंडिया के लिए, तो वहां रिसोर्सेज भी उस हिसाब से यूज होंगे, उस हिसाब से पूरा जम्मू कश्मीर फ्लरिश होगा। पर पूरे पॉलिटिकल एजेंडाज की वजह से यह चलता था, समझ में आ रहा है? इसलिए 370 हटाना पड़ा, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर अभी हमारा यूनियन टेरिटोरी है। ये बहुत अच्छी चीज हुई है इंडिया के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी। ऑब्वियसली अपोज में तो लोग रहेंगे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं ऐसी चीजें बोलता हूं तो भैया दो लोगों को बुरा लगता है, इंडिया के लोगों को भी बुरा लगता है, वो थे ना एक खान सर बोलते, इंडिया के लोगों को भी बुरा लगता है, पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको हमारा देश पसंद है और बेबी को बेस पसंद है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो ये चीज को आपने याद रखना, पीछे के जो पॉइंट है वो एक बार आपने नोट करके रखना कि 370 क्यों गया, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ये काम में आ जाए अपने ही सिलेबस में। गो फॉर इट फास्ट। जे एंड के को ये राइट मिला था राजा हरी सिंह के वजह से, हरी सिंह,
हरी सिंह करके एक राजा था इंडिपेंडेंस के, जिसने जे एंड के कोई राइट दिलवाए थे। हरी सिंह, हनी सिंह नहीं, योयो वाला हनी सिंह नहीं, हरी सिंह बोल रहे हो ना, लायको लगे हनी सिंह बोलेंगे सब। अब जम्मू कश्मीर में हर वो चीज, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ही यूनियन टेरिटरी बन गया है। अब यूनियन टेरिटरी है तो काई की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज कर रहा है। चलो लिख लिए सबने पॉइंट, आई होप सो लिख लिए होंगे। 35 है जम्मू कश्मीर में आप लैंड नहीं डिस्कस कर सकते थे बेटा अभिषेक, अब वो भी डिस्कार्ड हो गया, तो आप लैंड परचेस कर सकते हो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट लिख लीजिए। डन एवरीबॉडी, हो गया तो बताइए प्लीज कमेंट में। अब आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। जम्मू एंड कश्मीर का कच्चा चिट्ठा भी खत्म हो चुका है। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड कि हम हमारे नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर जाए, जो काफी जरूरी कंटेंट है। आ जाइए बच्चों, 10-15 मिनट का कंटेंट है, समझ में आना चाहिए। अभी मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस बोला है हाउ टू पास अ लॉ, पर अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में टोटल लॉ का मतलब क्या होता है। ठीक है, 10-15 मिनट का कंटेंट है, मैं जो बताऊंगा उसको जरा ठीक से समझना। ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। ये चार्ट मैंने आपके सामने बना के रखा है, इसे इस चार्ट को हम प्यार से कहते हैं लॉल। लॉल तुम्हारा वाला लॉल नहीं, लाफिंग आउट लाउड वाला ना, ना लोल मतलब लॉ ऑफ लैंड। क्लियर है, लॉ ऑफ लैंड। एक बार कमेंट में लिखिए लॉल इज अ लॉ ऑफ लैंड। क्लियर है, फटाफट लिखिए लॉल इज अ लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड मतलब क्या? लॉ ऑफ लैंड मतलब, ठीक है, लॉ ऑफ लैंड मतलब मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती। लॉ ऑफ लैंड का मतलब है कि मेरे देश की धरती और उसके, ये मेरे देश की धरती इंडिया श्रीलंका, ठीक है, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती। जो मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स में लॉज अप्लीकेबल होंगे, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लैंड। मतलब आप इस टेरिटोरी में घूम रहे हो और आपको वो लॉ मानना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लैंड। सर देश की धरती और 12 नॉटिकल माइल्स? हाँ बेटा। सर 12 नॉटिकल माइल मतलब इट इज अ नॉटिकल माइल जो नॉर्मली एयरफोर्स वगैरह के या फिर शिप के डिस्टेंस के हिसाब से गिना जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मेरे को पता है। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस। 1 नॉटिकल माइल मतलब 1.6 किलोमीटर या उससे कहीं ज्यादा होता है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। बट 12 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस सी में, हाँ समंदर में, जमीन पे नहीं। जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लगी है तो इंडिया के बाहर 12 नॉटिकल माइल्स गिनने मत चल जाना, आधा पाकिस्तान अंदर आ जाएगा जिंदगी में, ये हरकत ना करना। ये समंदर में 12 नॉटिकल माइल्स, क्लियर है आंसर? पाकिस्तान में 12 नॉटिकल माइल्स मत चल जाना। वो तुमने मूवी देखा है बजरंगी भाईजान? अरे बजरंगी भाई जान, बजरंगी भाई जान, वो मूवी के एंड में वो बच्ची को पकड़ता है और ऐसे हवा में उछालता है, बच्ची हवा में ही रहती है, मूवी खत्म हो जाती है। देखा तुमने?
हाँ है ना, तो बच्ची हवा में ही अभी भी अटकी हुई, मूवी खत्म हो गई। मुझे एक बात बताओ, वहां पे जो खड़े हैं, वो जिस जगह पे बच्ची को उछाल के खड़े हैं, क्या वो इंडिया का पार्ट है? नहीं, वो नो मैंस लैंड है। तो 12 नॉटिकल माइल समंदर में, जमीन पे नहीं। तो जो लॉज अप्लीकेबल होते हैं मेरे देश की धरती और 12 नॉटिकल माइल्स में समंदर में, उन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ लैंड। उसमें से सबसे पहला पार्ट होता है, उसके चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है एक्ट, जो हमने अभी अभी पास किया, जो हमने प्रोसेस पास किया ना, उसे हम एक्ट पास करते हैं। एक्ट मतलब लॉ पास करते हैं, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एलएलपी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक्ट है, ये हमने पास किया। और एक्ट बनाती है गवर्निंग पार्टी। गवर्निंग पार्टी मतलब जो उस वक्त गवर्नमेंट में थी, वो पार्टी एक्ट बनाती है। जैसे आपको शायद नहीं पता, इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, कंपनीज एक्ट 2013 ये बनाया गवर्निंग पार्टी कांग्रेस ने, क्योंकि 2013 में तो कांग्रेस की सरकार थी, 2014 से बीजेपी आया। पर ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसकी रूलिंग पार्टी है फिलहाल बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सरकार में है। तो एक्ट बनाती है गवर्निंग पार्टी, एक्ट बनाती है गवर्निंग पार्टी, पर उससे रिगार्डिंग रूल्स जो बन रहे, रूल्स आर वर्किंग, कि कैसे काम करना है, फॉर्म्स कौन से लेने, फीस कितनी लेनी है, ये रूल्स में लिखा होता है। तो रूल्स बनाती है रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, जस्ट वेट फॉर इट। तो हमने एक्ट बनाया, अभी जो प्रोसेस में हमने बनाया वो था एक्ट। एक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, कुछ चीजें अमेंड करना जरूरी है, तो जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स के लिए सीबीडीटी, कंपनीज एक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस एक्ट के लिए आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हर एक डिपार्टमेंट रहता है। ये डिपार्टमेंट एक्ट के अंदर तीन चीजें डिक्लेयर कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, रूल्स। तीन चीजें, डिपार्ट एक्ट बन गया, पर एक्ट में प्रॉब्लम है, छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं इंप्लीमेंटेशन में, तो डिपार्टमेंट बनाएगा नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, रूल्स। नोटिफिकेशन मतलब अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट मतलब एक तो एक्ट में कुछ ऐड होगा, या एक्ट से कुछ डिलीट होगा, या रिप्लेस होगा, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है, ये भी पार्लियामेंट में पास होते हैं। जैसे अगर आपने कंपनीज एक्ट, आपको शायद नहीं पता, ये भी चीज को मैं एग्जांपल के तौर पे बोल दूं, कंपनीज एक्ट 2013 आया, आपको यकीन नहीं हुआ, वो अमेंड हुआ 2015 में, वो अमेंड हुआ 2017 में, वो अमेंड हुआ 2019 में, और अभी हम 2021 में जाने वाले हैं और इसका अमेंडमेंट आ चुका है। खैर, इतने बार अमेंड हुआ है, 2013 में आया, 15 में अमेंड हुआ, 17 में अमेंड हुआ, 19 में अमेंड हुआ, 21 में भी अमेंड होने के पूरे चांसेस है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो ये अमेंडमेंट है, ये पार्लियामेंट में पास हुआ, नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट आए हैं, चेंजेस हुए हैं लॉ के अंदर, पब्लिक प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन चेंज हुए, कुछ सेक्शन ऐड किए, कुछ डिलीट किए गए, ये नोटिफिकेशन के थ्रू होता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करेगी, पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया जाएगा, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, फिर ये अमेंडमेंट बन जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना। ये चीज को आपने याद रखना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये चीज को याद रखना, ये है नोटिफिकेशन। क्लियर है? नीचे वाले कंटेंट के ऊपर मैं वापस आऊंगा, जस्ट वेट फॉर इट, दो मिनट के लिए। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी काम की चीज है, बड़ी काम की चीज है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, बड़े अच्छे से। अगर कभी ऐसा होता है कि भैया कोई अमेंडमेंट लानी है अर्जेंट में, हमें अभी अमेंडमेंट लानी है, भैया बहुत जरूरी है, काम नहीं हो पा रहे हैं, पर पार्लियामेंट के सेशन ही नहीं है, पार्लियामेंट के सेशन ही नहीं है, पार्लियामेंट बैठ ही नहीं रहा, पार्लियामेंट बोल रहा है अभी समय नहीं है, अभी काम करने दो, पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे तो काम कब करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठना अलग बात होता है और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना अलग बात है भैया। तो पार्लियामेंट के सेशन ही नहीं है, पर लॉ इमीजिएटली चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए आप वेट ना कर पाओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पास कर दे, पार्लियामेंट उसको अप्रूवल ना दे, नो अप्रूवल फॉर पार्लियामेंट बिकॉज सेशन ही नहीं थे। तो आप सिर्फ प्रेसिडेंट को बोल सकते हो, भैया प्रेसिडेंट जी एक काम कीजिए, टेम्पररी एक लॉ डिक्लेयर कर दीजिए, टेम्पररी डिक्लेयर कर दीजिए, आपसे दरखास्त है भैया, काम अटके पड़े, प्लीज कर दीजिए। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट पूछता है पार्लियामेंट ने किया क्या, अरे सर उनके सेशन ही नहीं है, बोल बोल के थक गया, अब अगले सेशन में पास करवाएंगे, आप अभी काम चलाओ के लिए तो कर लीजिए। तो अगर प्रेसिडेंट कोई लॉ पास करता है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, बहुत परम ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, या आप किसी से भी पूछोगे आपको नहीं बोलेगा कोई भी, परम ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, याद रखना, किसी से भी पूछ लो, इंटर के बच्चों को नहीं पता होगा, याद रखना, पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ पास नहीं किया है पर इमरजेंसी में प्रेसिडेंट अप्रूव कर रहा है, उसे कहते हैं अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इसका एग्जांपल देता हूं, कंपनीज एक्ट में एक ऑर्डिनेंस आया था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2013,
2019, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2019 आया था, बाद में वो एक्ट में चेंज हो गया जब उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, पर प्रेसिडेंट ने अप्रूव करके सिर्फ डिक्लेयर कर दिया था भैया काम चलाने के लिए फिलहाल इसको ले लो, फिर अगले पार्लियामेंट के सेशन में उसको रख के अमेंडमेंट एक्ट 2019 बनाया गया। तो पहले कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आया था, आपने कभी चेक करना गूगल के ऊपर कि भैया सिर्फ प्रेसिडेंट ने अप्रूव करके इसको डिक्लेयर कर दिया, फिर अगले पार्लियामेंट के सेशन में डाल के उसको एक्ट बनाया गया। तो इसे ऑर्डिनेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना बच्चों, क्लियर है, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। सो नोटिफिकेशन से आते हैं अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन से ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। अगला है सर्कुलर। सर्कुलर मतलब क्या, तो जरा समझाता हूं। एक दिन ना मेरा पेट दुखना शुरू हुआ, अरे बाप रे मेरा पेट दुख रहा है। मैं गया पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब पेट दुख रहा है। डॉक्टर ने चेक किया, बोले कुछ नहीं एसिडिटी हुई है। बोला ठीक है, पर अब आजकल एक डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर सकते, सेकंड ओपिनियन लेने गया। मैं दूसरे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बहुत पेट दुख रहा है, डॉक्टर साहब परेशान हूं, बचाओ। बोले सर तुमको अपेंडिक्स हो गया। बोला अरे बाप रे। बोले सर भरोसा नहीं, खर्चा लगाने वाला डॉक्टर है। मैं गया तीसरे डॉक्टर, बोला डॉक्टर साहब मेरा बहुत पेट दुख रहा है, बचाइए प्लीज, मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर मेरे को बोलता है तुमको वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। नालायक को अच्छा सोचो जिंदगी के अंदर, कमीनो। अब तीन अलग अलग डॉक्टर तीन अलग अलग चीजें बोल रहे हैं एक ही चीज के बारे में। ऐसा लॉ में भी हो सकता है, लॉ में कोई लाइन पढ़ ली, एक बंदा एक इंटरप्रिटेशन ले रहा है, दूसरा बंदा दूसरा इंटरप्रिटेशन ले रहा है, तीसरा बंदा तीसरा ले रहा है, हर बंदा अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन लेके चल रहा है। अब जब ऐसी हरकत होती है और गवर्नमेंट कंफ्यूजन में आती है, तो गवर्नमेंट रिलीज करती है सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन। जैसे लॉ में वर्ड यूज किया जाता है प्लांट एंड मशीनरी। अब आप प्लांट एंड मशीनरी वर्ड को यूज करो, तो प्लांट को मशीनरी के साथ यूज करो तो आएगा फैक्ट्री के सेंस में। वही आप बोलो प्लांट एंड ट्रीज, तो प्लांट को ट्रीज के साथ यूज करो तो पेड़ पौधे के सेंस में आएगा। तो लॉ को सर्कुलर निकाल के बोलना पड़ेगा कि भैया इसका मीनिंग क्या है, अगर कंफ्यूजन है तो। ठीक है, अगला रूल्स। रूल मतलब वर्किंग स्ट्रक्चर, कि आप किस तरीके से काम करोगे। ठीक है, क्या ई फॉर्म्स है, कितना फीस है, ये रूल्स में लिखते हैं। जैसे मैंने बताया एक्ट बनाता है गवर्निंग पार्टी, जो बनाया था कांग्रेस ने, पर बीजेपी अभी रूलिंग है तो रूल्स बनाती है रूलिंग पार्टी जो अभी रूल कर रही है। ठीक है, जो उन्होंने गवर्न किया वो गए, अभी रूलिंग पार्टी चल रही है, रूलिंग पार्टी रूल्स बनाती है। क्लियर है सब। अब चलो एक्ट हो गया, डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन सर्कुलर रूल्स तीनों दे दिए, फिर आता है बेटा इससे भी बात नहीं बनी और प्रॉब्लम है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। फिर भी लॉ में दिक्कत है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, वो आपको डिसीजन देंगे। इंडिया में 24 हाईकोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, 24 हाईकोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है, और नॉर्मली यहां पे एंटरटेन होते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्लियर है, फिर भी अगर दिक्कत है तो फिर हम जाएंगे कस्टम्स में। कस्टम मतलब प्रचलित चीजें क्या है, फॉरेन लॉज के डिसीजन क्या है, ब्रिटिशर्स के डिसीजन क्या है, ब्रिटिशर्स ने हमारा लॉ बनाया तो उनके डिसीजन क्या है, ये चीजें हम देखते हैं। क्लियर, ये चारों चीजें मिलके बनता है लॉ ऑफ लैंड। ये चारों चीजें मिलके क्या बनता है, लॉ ऑफ लैंड। अभी आप मेरे को पूछोगे सर कस्टम मतलब क्या, कस्टम को थोड़ा सा आप बताइए, कस्टम मतलब क्या। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये क्या है जरा कमेंट में बताइए मुझे, मैंने क्या लिखा है, फटाफट बताइए मैंने क्या लिखा अर्जेंट में। सब बोल रहे ए ए लिखा है, ए लिखा है, ए शानदार, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, मतलब सबको दिख रहा है ये ए है, सबको दिख रहा है ये ए है, बराबर है, सबको दिख रहा है ए है। मुझे इसको ए नहीं बोलना, मुझे इसको बोलना है आ, आ, मैं इसको आ बोलना चाहता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं इसको आ बोल सकता हूं। आप बोलोगे नहीं सर ये तो ए है, मैं आपसे पूछूंगा कौन से लॉ में लिखा है ये ए है और मैं इसको क्यों मानूं, कौन सा लॉ में लिखा ये ए है, लॉ का नाम बताओ जरा कमेंट में मुझे, कौन सा लॉ है ये, मैं इसको आ बोलना चाहता हूं, अच्छा हम इसको आ बोलेंगे, बोलो कौन से लॉ में लिखा ये है, अच्छा हम इसको आ बोलेंगे। एनी लॉ इज देयर, एनी लॉ इज देयर, कोई लॉ में नहीं लिखा तो हम माने क्यों। हम इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि ये कस्टम है, बचपन से हमको सिखाया जा रहा है और सब लोग इसको मान रहे हैं, इसलिए हम इसको मान रहे हैं। जैसे घड़ी के कांटे, घड़ी का टाइमिंग, एक से लेके 12 बजे, वापस एक से लेके 12 बजे, किसने बोला मेरे को 1 से लेके 100 की टाइम वाली घड़ी चाहिए, मैं जो 1 से 12 घंटे है ना उसको 100 में डिवाइड करना चाहता हूं, कर सकता हूं मेरी मर्जी, पर एक कस्टम है, कस्टम मतलब सब लोग मानते हैं, तो तुमको अलग चल के नहीं, अलग चल के नहीं, इंसान सामाजिक प्राणी है, आदमी है सामाजिक प्राणी है, तो समाज के साथ ढलना पड़ेगा, समाज मतलब कस्टम है, तो कस्टम के हिसाब से। लेट्स इमेजिन कल हमने एक नया लेटर बनाया, लेटर का नाम है ऑ, अब ये ऑ नहीं है,
लेटर का नाम हमने नया लेटर बनाया ओ, ये नया लेटर इंट्रोड्यूस किया मैंने। हाँ लेटर ही है, हाँ नया लेटर है। कल मैंने आपको बोला ये नया लेटर पब्लिश कर दो, तुमने सब लोगों तुम्हारे दोस्त वोस्त में सब में बोल दिया कि ये नया लेटर दर्शन सर ने बनाया है ओ, ठीक है ओ। कल परसों न्यूज़पेपर में आ गया कि दर्शन सर ने नया लेटर बना दिया ओ। नर्सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, न्यू लेटर इज देयर 26 अल्फाबेट 27 अल्फाबेट ओ। अगर ये सब लोगों ने मान लिया, पूरे देश की धरती के पूरे दुनिया के लोगों ने 7 बिलियन लोगों ने मान लिया ये ओ है, तो ये ओ माना जाएगा क्योंकि ये कस्टम है, दैट इज कस्टम। सो ये चार चीजें मिलके बनती है लॉ ऑफ लैंड, जैसे हम कहते हैं लोल, और ये आपका पूरा लॉ है, इसको हमें पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है बच्चों, हमें ये सब पढ़ना है, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, ये सब चीजें मैं सीपीटी फाउंडेशन में ही पढ़ाता हूं, पर कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, अभी तक जितना पढ़ा है ना सब फाउंडेशन में पढ़ा रहा हूं, पर कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए वापस पूरा रिपीट किया 3 लेक्चर्स के अंदर। इस चीज को भी लिख के रखो, कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, पता था नहीं पता था वो भी बताइए, तो आगे स्पीड मेंटेन करने में भी हेल्प होगी। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। कुछ भी लॉ ऑफ एबीसीडी एक्ट, शानदार कर दो, नया लेटर निकला है बोलना आ। चलो बहुत बढ़िया, विजय सर ने भी बताया तो अच्छी बात है, हम दोनों लॉ ही पढ़ा रहे, वो सिर्फ पैसों वाला लॉ पढ़ा रहे, अपन कंपनी वाला लॉ पढ़ा रहे। नहीं बेटा मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ अभय कुमार, भले मैं उनको जानता हूँगा वो मेरे को नहीं जानते मैं बहुत छोटा आदमी हूँ भाई, अपने को क्या, अपन सबको जानते हैं लेकिन लोग अपने को नहीं जानते। अभी बेटा कल परसों से शुरू हो जाएगा कंपनी लॉ, जितना बेसिक पढ़ाना था वो तो नियरली हो गया, शुरू कर देंगे अपन कल से कंपनी लॉ, क्या दिक्कत है? देखे जरूर है बेटा, सेम ईयर बेटा स्नेहल, फेस टू फेस बैच को मैं भी मिस कर रहा हूँ। चलो फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर हो जाए तो बता देना। अप्रैल बॉर्न कभी कोई दूर नहीं रहता, सपना सपना होता है, कोई भी सपने को चेस करने के लिए कभी एज मैटर नहीं करता, और कभी कोई चीज़ लेट कभी नहीं रहती। हाँ जब जागो तब सवेरा मान के मेहनत करना शुरू कर देना, लाइफ वरना वापस दूसरा मौका नहीं देती। हम अभी तक हमारे एज में ही फंसे होते तो कुछ ना कर पाते बेटा। चलो डन एवरीबडी, कहाँ इंडिया में फैन है भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ यार, इतना ऐसे मेरे को सिर पे मत चढ़ाओ, झाड़ पे चढ़ा रहे हो बड़ा आदमी बड़ा आदमी करके, बहुत छोटा आदमी हो, तो चुपचाप अपना सब्जेक्ट पढ़ा दो बस, अपने क्या चाहिए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस, सोने के लिए 1 तकिया 1 गद्दे मिल जाए बस, और क्या चाहिए लाइफ में करने। ठीक है चलो अभी मजे लेना मत शुरू करना नालायक हो, चलो आज के लिए हम काफी करते हैं, आई होप सो आपको सेशन में काफी मजा आया होगा, नाउ वी आर वेरी नियर कि हम हमारा कंपनीज एक्ट का सिलेबस शुरू कर दें। ठीक है सो हम कंपनीज एक्ट का सिलेबस शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें और थोड़ा बाकी जो कल के लेक्चर में हम देखेंगे, आज के लिए हम यही काफी करते हैं, कोई क्वेरीज है तो
तो आप जरूर वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट्स में डाल सकते हो, उसको मैं कल के लेक्चर में जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, दिस दर्शन करे साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, आपके मॉम डैड को प्रणाम बोलना, सी यू।